इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग एल्गी. आप सभी को पता है एल्गी आर मेनली द एक्वेटिक प्लांट्स. व्हाई? बिकॉज देयर मेन हैबिटेट इज वाटर एंड यू ऑल आर अवेयर दैट मोर देन 75% कवर्ड विद वाटर, दो ओनली 1 to 2% इज फ्रेश वाटर, रेस्ट ऑफ द वाटर इज मरीन. एल्गी आर क्लोरोफिल बेयरिंग थैलॉइड प्लांट्स. सो वट आर थैलॉइड प्लांट? आई थिंक यू ऑल हैव सर्टेन आइडिया अबाउट द थैलॉइड प्लांट्स. थैलॉइड सिंपली अ ग्रीक वर्ड मीनिंग sack like. So the plants where we cannot differentiate between the root, stems and leaves, such type of plants are known as thalloid plants, and algae is one of them. Okay, so algae synthesize their own food by themselves because they contain the chlorophyll, so that's why they are autotrophic. Jo ki apna khana swayam bana sakte hain algae. Ye, this point is very very important. It may be asked if you go for any question, your interviews section itself. Okay, what is the basic difference between algae and bryophyte? So the basic difference between algae and bryophyte is regarding their sex organ. In algae, the sex organ are not covered by any sterile jacket layer, but in bryophyte, they are covered with sterile jacket layer. So please note down this point. It is a very, very important point. So one important point also will be raised if you go for the any interview, like the branch of botany where we study about the algae is referred as what we call it, that is phycology. One picture you are all are seeing, ये एक बहुत ही prominent scientist हैं, M.O.P. Iyengar रहे हैं, और इनको हम father of modern Indian algology कहते हैं. इसको भी आप note down कर लीजिए. और ये student रहे हैं Frisch के. तो फ्रिश को वैसे हम फादर ऑफ द एल्गोलॉजी या फाइकोलॉजी मानते हैं, तो उन्हीं के स्टूडेंट हैं एमओपी एंगल. लेकिन इनका नाम इसलिए इतना ज्यादा वैलिड होता है कि आज आप एल्गी के बारे में जितना भी रिसर्च हो रहा है उसमें इन्हीं का ही रेफरेंस लेकर हम वो रिसर्च करते हैं. तो ये पर्सन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके फाइकोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में. अब एल्गी इतना इंपॉर्टेंट क्यों है मॉडर्न रिसर्च में? ऐसे क्या कारण है कि एल्गी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है मॉडर्न रिसर्च में? तो कुछ रीजन है जिसके कारण एल्गी इतना ज्यादा यूज हो रहा है मॉडर्न रिसर्च में. तो सबसे पहले तो एल्गी की मॉर्फोलॉजी बहुत सिंपल होती है. मॉर्फोलॉजी, यू ऑल आर अवेयर अबाउट द मॉर्फोलॉजी, दैट इज द एक्सटर्नल अपीयरेंस, एक्सटर्नल कैरेक्टर ऑफ एन इंडिविजुअल. ओके, सो एल्गी की मॉर्फोलॉजी बहुत ही सिंपल होती है. जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि ये थैलॉइड है, थैलस लाइक ऑर्गेनिज्म है, तो बहुत ही सिंपल मॉर्फोलॉजी है. फिर दूसरा, एल्गी बहुत रैपिडली रिप्रोड्यूस होने वाला देख सकते हैं, और कौन से हो जाए यूज हो रहा है. ओके, सो नाउ अब बहुत एल्गी का ही पूरा चस्प है. तो भाई एल्गी क्या ऐसा काम करता है कि हमारे लिए एल्गी इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? तो अगर हम बात करें एल्गी की इम्पोर्टेंस की, तो जो ऑक्सीजन कार्बन साइकिल है आपके एनवायरमेंट में उसको रन, तो अगर हम एवरेज की बात करें, इन एवरेज अबाउट 10 बिल फिक्स्ड बाय कार्बन साइकिल को आप कंसीडर कर ही नहीं सकते. ओके, सो नाउ कम टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग द एल्गी. एल्गी कब से भाई आए इस धरती पे, कब से इन्होंने मतलब अपना आना शुरू किया? तो एक एरा है, अगर आप जो जियोलॉजी भी इन्होंने बीएससी में पढ़ा होगा तो उनको पता होगा, अदरवाइज और स्टूडेंट्स को भी पता होगा, प्री कैम्ब्रियन एक एरा है, ये बहुत पहले का एक एरा है. उस समय पे इनका एमर्जेंस हुआ था, और अगर हम माने कि इनका रिकॉर्ड फॉसिल रिकॉर्ड में इनका कब से माना गया है इनको, तो हम 3 बिलियन ईयर्स बैक इनको माना करते थे कि इनका उत्पत्ति हुई. लेकिन अभी रिसेंट जो स्टडीज हैं उससे ये पता चल रहा है कि एक ब्लू ग्रीन एल्गी मिली है ग्रीनलैंड से, जो कि अबाउट 3.8 बिलियन ईयर्स बिफोर जिसका ओरिजिनेशन हुआ था, जो ओरिजिनेट हुई थी. तो इसका मतलब एल्गी का ओरिजिनेशन या ओरिजिनेट कब हुई है? 3.8 बिलियन ईयर्स बैक. सो ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है आपसे कहीं भी. आप कॉम्पिटिटिव के आप बोलोगे कि हमने एमएससी बॉटनी से किया है, तो माइट बी जो अच्छे इंटरव्यूअर बैठे होंगे, जो आपका इंटरव्यू ले रहे होंगे, तो वो ये क्वेश्चन आपसे रेज कर सकते हैं. तो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो साथ ही साथ आप नोट डाउन. नाउ कम इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, एल्गी को हम और किस तरीके से देख सकते हैं? तो एल्गी यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, माइक्रोस्कोपिक भी हो सकते हैं, स्मॉलेस्ट भी हो सकते हैं. अगर हम बात करें तो क्लैमाइडोमोनास और क्लोरेला ऐसे ही एल्गी हैं. ये आपको दिख भी रहे हैं डायग्राम में, नीचे क्लोरेला और क्लैमाइडोमोनास ये.
क्लोरेल, इनका साइज की अगर हम बात करें तो 0.5 माइक्रोन मीटर होता है, तो कितने छोटे भी हैं एल्गी। और अगर हम बात करें सबसे बड़ी एल्गी की, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, इसको भी आप कहीं नोट डाउन कर लीजिए, सबसे बड़ा जो एल्गी है अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार, तो सबसे बड़ी एल्गी जो है वो है मैक्रोसिस्टिस पायरीफेरा। ओके, और इसकी अगर हम बात करें कि इसकी लेंथ या इसका साइज कितना होता है, तो ये 100 मीटर तक पहुंच रही है, 100 मीटर, ये है आपका मैक्रोसिस्टिस पायरीफेरा। ओके, तो बिल्कुल एक प्लांट जैसा दिखाई दे रहा है ना ये, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप कहीं नोट डाउन कर लीजिए। देन नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं हैबिटेट की, एल्गी कहाँ कहाँ मिलता है, किस किस टाइप से एल्गी हमें मिल सकता है। तो हैबिटेट सबको पता होगा, हैबिटेट वो जगह होती है जहाँ पे ऑर्गेनिज्म सबसे ज्यादा मैक्सिमम पार्ट अपनी लाइफ का स्पेंड करता है, या जहाँ रहता है, जो भी अपनी लाइफ साइकिल जहाँ पूरी कंप्लीट करता है, दैट पर्टिकुलर रीजन या दैट पर्टिकुलर जोन इज नोन एज इट्स हैबिटेट। हैबिट और हैबिटेट में बहुत डिफरेंस है, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं हैबिट और हैबिटेट क्या होता है। हैबिट तो होता है भाई उसका अपियरेंस कैसा है, जैसे हम ट्रीज को करते हैं ना, हर्ब शर्ब्स एंड ट्रीज में वेजिटेशन को डिफरेंशिएट कर, वो इसकी हैबिट है। लेकिन हैबिटेट है कि कहाँ वो मिल रहा है, दैट इज द हैबिटेट। ओके, सो ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एल्गी वी हैव। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपके एग्जाम में आ सकता है पूरा लॉन्ग में, कि ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप ऑफ एल्गी। सो एल्गी हैबिटेट के बेसिस पे एक्वेटिक होते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं, और ये वाला तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट नोट के लिए भी आ सकता है, एल्गी ऑफ अनयूजुअल हैबिटेट, कि भाई जहां आप नहीं सो सकते वहां भी एल्गी हो जाता है। ठीक है, तो ये वाला भी शॉर्ट नोट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, वैसे तो पूरा ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये शॉर्ट नोट के लिए। अब जैसे जैसे मैं आपको बताता चल रहा हूँ ना कौन सा इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट है, वो कहीं कहीं नोट भी करते चलिए आप। ठीक है, देन अगर हम बात करें एक्वेटिक एल्गी की, तो एक्वेटिक यानी कि पानी में मिलने वाला। अब पानी में मिलने वाला, पानी में मिलने वाले किस टाइप के एल्गी हैं, तो हमारे पास फ्रेश वाटर एल्गी होते हैं, फ्रेश वाटर समझ गए होंगे आप, जहाँ पे साफ सुथरा पानी विदाउट एनी सैलिनिटी इन दैट, जहाँ पे सेलाइन हो ही ना, मतलब कि वहाँ पे सॉल्ट कंटेंट ना ही ना के बराबर, तो ऐसे वाटर वाटर एल्गी ये उनको फर्दर हमने डिवाइड किया, स्टैग्नेंट से पॉन्ड्स हो गए आपके, जहाँ पे पानी मूव ना करे, ठीक है, एक ही जगह पे रहे। तो ऐसे ही फ्रेश वाटर एल्गी का एग्जांपल है स्पायरोगायरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप लर्न कर लीजिए या इसको अपने दिमाग में रखिए, ये होता है स्पायरोगायरा, बिल्कुल जैसे आपका टेप लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका। ठीक है, देन सेकेंड जो फ्रेश वाटर एल्गी, दैट इज रनिंग फ्रेश वाटर एल्गी, यानी कि रनिंग पानी में, जैसे कि रिवर स्ट्रीम्स में जो मिलने वाली एल्गी है, दैट इज कॉल्ड द रनिंग फ्रेश वाटर एल्गी। अब भाई रनिंग वाटर में मिल रही है यानी कि चलते हुए पानी में, तो भाई उसको अपने आप को पकड़ के रखना भी तो होगा, तो ऐसी एल्गियों को क्या दिया होता है, कुदरत ने एक बहुत अच्छी चीज इन्हें प्रोवाइड की है, कि इनका बेस एक स्पेशल सेल से अटैच रहता है सबस्ट्रेटम के साथ, यानी कि किसी भी सतह के साथ, जिसे बोलते हैं होल्ड फास्ट। तो ये भी आप नोट कर लीजिए, ये भी कई बार आपके से वाइवा में एग्जामिनर पूछ सकते हैं, कहीं भी आप जाएंगे कि भाई आप एल्गी के सबस्ट्रेटम से अटैच करने के लिए जो सेल होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है, तो उसको हम होल्ड फास्ट बोलते हैं, ये है होल्ड फास्ट, तो इसका एग्जाम्पल है यूलोथ्रिक्स। ओके, ये भी आपका फिलामेंटस एल्गी है, देखो फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर है इसका। देन फिर होता है एपिफिलिक एल्गी, ये क्या होता है, ये अटैच करती है अपने आपको सैंड और मड एट द बॉटम ऑफ द वाटर बॉडी, ये बिल्कुल प्लांट जैसा होता है, जैसे प्लांट में रूट्स होते हैं, वहां तो रूट्स होती हैं, लेकिन यहाँ पे फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम राइजोइड्स कहते हैं, और बिल्कुल स्ट्रक्चर आप देख लीजिए प्लांट जैसा होता है। इसका बेस्ट नोन एग्जाम्पल है कारा, और कारा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कारा कारा में नोड्स एंड इंटरनोड्स मिलते हैं, तो ये आप अपने दिमाग में थोड़ा सा इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए कहीं पर। ठीक है, देन फिर नेक्स्ट हम आते हैं, अब आते हैं आप फ्रेश वाटर एल्गी हमने कर ली, अब दूसरा है मैरीन। अभी मैंने बोला 75% वाटर से कवर्ड है यार, तब जीने योग्य पानी है, मतलब जो हम पीते हैं पोर्टेबल, वहां टाइप की एल्गी पाई जाएंगी, तो वहां पर पाई जाती है मरीन एल्गी या सी वाटर एल्गी, और इनके बेस्ट एग्जांपल है फ्यूकस, एक्टोकार्पस, पॉलीसाइफोनिया, अल्वा, सार्गसिन, यानी कि यहाँ पे रोडोफाइसिन मेंबर रेड एल्गी जो है ना आपकी, वो मेनली मरीन होती है। ठीक है, सिर्फ एक को छोड़कर, वो क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी आप नोट डाउन कर लीजिए, कि सारी रेड एल्गीज तो एक्वेटिक वो मरीन होती हैं, लेकिन एक फ्रेश वाटर रेड एल्गी का नाम अगर कहीं आपसे पूछ लिया जाएगा, तो एक फ्रेश वाटर एल्गी का नाम है, वो आप नोट कर सकते हैं, बट्रैकोस्पर्मम, दैट इज ओनली द फ्रेश वाटर रेड एल्गी, अदरवाइज रेड एल्गी आर मेनली मरीन। ओके, सो ये आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, सारे हैं आपके फिकस के डिफरेंट स्पीशीज हैं, ये उल्वा है आपका। ठीक है, देन कम टू द नेक्स्ट, नेक्स्ट जो हैबिटेट है एल्गी की, दैट इज टेरेस्ट्रियल एल्गी। टेरेस्ट्रियल मतलब
जो कि आपको जमीन में मिलती होगी, है ना भाई, जमीन जो है हमारा रॉकी सबस्ट्रेटम या जमीन जो है दैट इज सच टाइप ऑफ एल्गी विच आर फाउंड ऑन द रॉकी सबस्ट्रेटम आर नोन एज द टेरेस्ट्रियल एल्गी. तो इसमें क्या होता है कि सम एल्गीज आर फाउंड ऑन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स लाइक ऑन द सरफेस ऑफ सॉइल एंड आर नो इम्पॉर्टेंट. नोट डाउन करते चलिए जिनकी राइटिंग स्पीड थोड़ा तेज है, अदरवाइज आप इसको देख सकते हैं. सैपोफाइट्स, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, पूछ सकते हैं सैपोफाइट्स क्या होते हैं. तो जो सिर्फ सॉइल के ऊपर ग्रो करेंगी तो उनको सैपोफाइट्स बोलते हैं. टेरेस्ट्रियली हैबिटेट है ना सॉइल भी, इसके एग्जांपल हैं बॉट्राइडियम और फिशला. ओके, जबकि वेयर एज बीजीए, बीजीए स्टैंड्स फॉर ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया, ये कहाँ मिलते हैं आपको? साइनोबैक्टीरिया आपको मिलते हैं अंडर द सॉइल एंड नोन एज क्रिप्टोफाइट्स. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म क्रिप्टोफाइट. ओके, सो इसका बेस्ट नोन एग्जांपल है नॉस्टो. सो यहां आप देख रहे हैं ये वाली जो एल्गी है ना, ये आपकी है बॉट्राइडियम. ये वाली एल्गी आपकी बॉट्राइडियम है और ये आप देख रहे हो जैसे आप वो खाते हो ना पुदीन हरा की टैबलेट्स खाते हो, गोल गोल जैसी होती हैं. हाँ, उसी टाइप का इनका कुछ स्ट्रक्चर होता है. और जबकि ये बगल वाली आप देखो, ये नॉस्टॉक है, बीडेड लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका. और इसमें यहाँ पर स्पेशलाइज टिश्यूज या सेल्स होते हैं, इनको हम हेट्रोसिस्ट कहते हैं. इसी के थ्रू ही नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं. तो ये दो टर्म आप कहीं नोट डाउन कर लीजिए, सैपोफाइट्स और क्रिप्टोफाइट्स क्या होते हैं. ये डिफरेंस पूछा जा सकता है, टेरेस्ट्रियल एल्गी के ही अंदर है लेकिन सैपोफाइट्स बता दिए सॉइल में जो मिलेंगी आपको, और क्रिप्टोफाइट्स वो है जो आपको बीनीथ या अंडर द सॉइल मिलेगी, सॉइल के अंदर नीचे. ठीक है ना, तो इन टेरेस्ट्रियल एल्गी हो गई. अब ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बोला है ना शॉर्ट नोट्स में ये आ सकता है, एल्गी ऑफ अनयूजुअल हैबिटेट. तो ये जरा आप बहुत ध्यान से इसको सुनिए, इसको कहीं नोट डाउन भी करते चलिए. तो एल्गी ऑफ अनयूजुअल हैबिटेट का मतलब हो गया जहां आप सोच भी नहीं सकते एल्गी वहां भी हो सकती. जैसे वो कहावत है ना, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, तो ऐसे ही एल्गी का भी कुछ हाल है, ये भी कहीं ना कहीं आपको ऐसी जगह जहां आप सोच भी नहीं सकते वहां भी मिलेंगी. तो इसी में फर्स्ट इस कंटेक्स्ट में हम पहला बोलते हैं एपिफिटिक एल्गी. इनकी एपिफिटिक एल्गी होती है ऑन द बॉडी ऑफ द अदर प्लांट, मतलब एल्गी खुद एक प्लांट है लेकिन ये दूसरे प्लांट की बॉडी में पाया जा रहा है. तो ये भी एक अपने में ही विचित्र सी बात आप देखो ध्यान से देखो, ये कैप जैसी सेल्स आपको दिखाई दे रही होंगी, कैप जैसी सेल्स इसकी पेक्यूलर कैरेक्टरिस्टिक है. क्योंकि आप ये बोल सकते हैं ना और भी फिलामेंटस एल्गी है, तो जहाँ पे आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं, तो ओडोगोनियम को रिकॉग्नाइज करने का यही तरीका है कि इसमें कैप सेल्स पाई जाती है. ठीक है, तो ये एपिफिटिक एल्गी हो गया, समझ में आ गया. एपिफिटिक का मतलब जो कि दूसरे प्लांट्स के ऊपर पाई जाएंगी. ठीक है, तो खुद देखो खुद एक प्लांट है लेकिन दूसरे प्लांट के ऊपर पाया जा रहा है. दूसरा है एंडोफिटिक एल्गी. एंडो इटसेल्फ मींस इनसाइड, यानी कि इनसाइड द बॉडी ऑफ प्लांट्स, प्लांट की बॉडी के अंदर पाई जाएंगी, इस टाइप की एल्गी को बोलते हैं एंडोफिटिक प्लांट, एंडोफिटिक एल्गी. और इसका बेस्ट नोन एग्जांपल है एनाबेना. अब एनाबेना कहाँ मिलता है भाई आपको? ये मिलता है आपको कोरलाइड रूट्स ऑफ साइकस. तो आपको पता होगा साइकस क्या है, साइकस एक जिम्नोस्पर्म है. ओके, और जिम्नोस्पर्म की रूट, ये साइकस की मॉर्फोलॉजी अगर आप लोगों ने जिम्नोस्पर्म में याद होगा थोड़ा बहुत, तो साइकस के पास दो टाइप की रूट्स होती हैं. एक तो होती है उसकी डीप टैप रूट जो कि अंदर होती है जो आपको नहीं दिखती, लेकिन अगर आप स्टेम के नीचे वाला पार्ट देखते हो तो वहाँ कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई देते हैं जो कि एपोजियोट्रॉपिक होते हैं, ऊपर की तरफ निकल रहे होते हैं. मतलब रूट का तो मेन काम कहाँ है, नीचे जाने का, लेकिन वो नीचे ना जाके ऊपर निकले हुए. तो उन रूट्स को बोलते हैं हम कोरेलॉइड रूट्स. ओके, वो रूट जो स्टेम के बिल्कुल नीचे की तरफ को आपको दिखाई देंगे ऊपर. ठीक है ना, तो वो एपोजियोट्रॉपिक, एपोजियोट्रॉपिक का मतलब होता है नेगेटिवली जियोट्रॉपिक, मतलब नीचे ना जा रही है ऊपर आ रही है. तो उन रूट्स की अगर आप सेक्शन कटिंग कर देखोगे, दिखाया हुआ है सेक्शन कटिंग ऑफ कोरलॉइड रूट, तो इसके जो आपका कॉर्टिकल रीजन होता है वहां पर आपकी सेल्स के अंदर ये एनाबेना मिलता है. और एनाबेना और नॉस्टॉक एक ऐसी एल्गी है जिनमें स्पेशलाइज सेल पाई जाती है, हेट्रोसिस्ट ये आप देख रहे हो. और हेट्रोसिस्ट का मेन काम होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन करना. ठीक है, क्योंकि साइकस वगैरह नॉर्मली ऐसी सॉइल में जनरली ग्रो होते हैं जहाँ पे, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि जिम्नोस्पर्म में माइकोराइजल एसोसिएशन भी पाया जाता है, यानी कि दैट सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन दी व्हाट
माइक्रोएजे क्या होता है? माइक्रोएजे सिंपल आपका क्या होता है कि रूट्स ऑफ द जिम्नोस्पर्म मेनली द पाइनस और फंजाई के बीच का एसोसिएशन होता है ना? तो लेकिन यहाँ पर जो एसोसिएशन, ये भी सिम्बायोटिक है इसमें, लेकिन साइकस के कंटेक्स्ट में। तो यहाँ पे आपको कॉर्टिकल रीजन में नॉस्टॉक वो एनाबेना मिलेगा, और एनाबेना नॉस्टॉक की खास बात ये होती है कि इसमें एक स्पेशल सेल होती है जिसको हेटरोसिस्ट। हेटरोसिस्ट का मेन काम होता है आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन करना। क्यों? क्योंकि हेटरोसिस्ट के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम मिलता है, दैट एंजाइम इज नाइट्रोजिनेज। और यही नाइट्रोजिनेज क्या करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करता है। क्योंकि ये प्लांट जो साइकस और आपके पाइनस हैं, ये खुद ऐसा है अपने आप नहीं कर पाते नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है, में रहते हैं। तो ये इस टाइप का सिम्बायोसिस करना किसी के साथ जो इनकी नाइट्रोजन की पूर्ति पूरी कर सके आपूर्ति को, और उनको साथ ही साथ इनको क्या फायदा हो रहा है, ये नॉस्टोक रहना मैंने को क्या फायदा हो रहा है, इनको ये फायदा हो रहा है कि इनको रहने की जगह मिल रही है आराम से, है ना, ये बच पा रहे हैं। तो ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। ओके, देन कम टू द नेक्स्ट एपिजोइक एल्गी, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एपिजोइक मीन्स एपी ऑब्वियसली ऑन द बॉडी ऑफ, तो ऑन द बॉडी ऑफ द एनिमल्स अगर आपको कोई एल्गी मिल रही है तो उसे एपिजोइक एल्गी कहेंगे। और उसका एग्जाम्पल है क्लैडोफोरा क्रिस्पाटा ऑन द सेल्स ऑफ मोलास्क। ये मोलास्क के सेल, मोलास्क जानते हैं क्या होते हैं, ये घोंगे टाइप के जो होते हैं ना, उनके शेल के ऊपर मिलता है। और डर्मेटोफाइटॉन मिलता है ऑन द बॉडी ऑफ टर्टल। ये टर्टल के ऊपर देख रहे हो ये एल्गी जो लगी हुई है, ये है डर्मेटोफाइटॉन। ओके, सो एनिमल्स के ऊपर भी पाई जा सकती है एल्गी। तो देख रहे हैं ना, ये अनयूजुअल हैबिटेट हुआ ना, एक अजीब टाइप का, कहाँ कहाँ मिल रही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एल्गी, एंडोजोइक ऑब्वियसली। एंड अब एक्टो था भाई, ऊपर हो गया, एंडो कहाँ होगा, अंदर, एनिमल्स के अंदर अगर कोई एल्गी मिलेगी तो उसे एंडोजोइक एल्गी बोलेंगे, है ना। तो इस कंटेक्स्ट में हमारी जू क्लोरेला एक एल्गी है जो कि आपकी हाइड्रा, हाइड्रा एक आपका एनिमल किंगडम का एक एनिमल में ही आता है, या आपका जूलॉजी में आपने पढ़ा होगा, इसका सबसे सिंपल ऑर्गेनाइजेशन होता है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। हाइड्रा में जू क्लोरेला पाया जाता है, इसके अंदर इंटरनल वॉल्स में पाया जाता है। ये ब्लू ग्रीन एल्गी है जू क्लोरेला, ये ग्रो करती है एंडोजोइकली इन प्रोटोजोन्स आर कॉल्ड। और जब ऐसी एल्गी आपकी जब प्रोटोजोन्स के अंदर पाई जाए तो उसको साइनिले बोलते हैं। ये टर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी नोट कर लीजिए। वो ब्लू ग्रीन एल्गी जो कि ग्रो करे एंडोजोइकली, एंडोजोइकली था कि एनिमल के अंदर, जनरली मेनली किसके अंदर, प्रोटोजोन्स के अंदर, उनको बोलते हैं साइनिले। ये नोट कर लीजिए कहीं पे, ठीक है। तो एंडोजोइक भी आप समझ गए। देन नेक्स्ट पैरासिटिक एल्गी, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये अलग से भी शॉर्ट नोट में आपका आ जाएगा, पैरासिटिक एल्गी पे शॉर्ट नोट आ जाएगा। तो पैरासिटिक, आप सोच सकते हो कि एल्गी भी पैरासिटिक हो सकती है। पैरासाइट को तो हम गंदा ही मानते हैं ना, कि वो कुछ गलत काम ही करते हैं पैरासाइट, है ना, होस्ट को परेशान करते हैं, बार तो किल कर देते हैं, ठीक है। तो यही हो गया, आप बोलोगे मैं बॉटनी से एमएससी हूँ या मैं बॉटनी से किया है मैंने, तो वो बोलेंगे आपने बॉटनी से किया है तो आपने क्या किया, एल्गी तो आपने जरूर पढ़ी होगी, है ना। तो आप ये बता सकते हो पैरासिटिक एल्गी के बारे में पढ़ा है कुछ, तो आप ने अगर पढ़ा होगा तो यू विल बी एबल टू गिव द आंसर। अदरवाइज कुछ बच्चे तो सोचेंगे कि नहीं भैया हमने तो एल्गी यही पढ़ा कि भाई एल्गी तो बड़ा अच्छा काम करती है, ये पैरासिटिक कहाँ से हो गई, लेकिन होती है एल्गी पैरासिटिक। उसमें बेस्ट नोन एग्जाम्पल है आपका सेफेलोरोस वेरेसेंस, ये ग्रीन एल्गी है जो और कॉफी की पत्तियों में पाई जाती है। आप देख रहे हो यहाँ पे, ये टी और कॉफी की पत्तियों में पाई जाती है, और ये उन्हीं के ऊपर रहकर उन्हें खराब कर देती है, इसलिए ये एक बीमारी कॉज करती है, रेड रस्ट ऑफ टी एंड कॉफी। तो इसलिए इसको नोट कर लेना कहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी एल्गी है हार्वेलिया, हार्वेलिया रेड एल्गी है, ये किसी रेडे निवास करती है, मेन काम होता है ग्रेसिलेरे, भी बहुत अच्छी एल्गी है, इससे हम एगर एगर बना सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर पर कौन डिपेंडेंट हो रही है, हार्वेलिया जो है के ऊपर रही। तो इस टाइप की एल्गीज क्या करेंगी भाई, वो क्या करेंगी, दूसरे से तो न्यूट्रिएंट्स लेंगी ना होल्ड फास्ट के थ्रू। तो ये किस टाइप की एल्गी हो गई, पैरासिटिक एल्गी, ये दूसरे को नुकसान पहुंचाती है। तो सेफेलोरोस वेरेसेंस का तो आप मेंशन कर लो कहीं भी जाओगे बोलोगे रेज होगा ही होगा, ठीक है। देन नेक्स्ट कम टू द, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अनदर टाइप, इसके भी शॉर्ट नोट आ सकता है, क्रिप्टोफिटिंग। आपने क्रायोजेनिक इंजन पढ़ा होगा ना, जो बत्ती मतलब ऐसी जगह पे यूज होता है जहाँ हिल एरियाज होते हैं, जहाँ पे बहुत बर्फ पड़ती है, जहाँ पे पेट्रोल वगैरह जम जाता है, तो वहां पर भी हमें कुछ इंजन यूज, उनको क्रायोजेनिक इंजन बोलते हैं। तो ऐसी क्रायो का मतलब ही होता है फ्रीज, बिल्कुल फ्रीजिंग एनवायरमेंट। ओके, सो क्रायोफिटिक एल्गी वो एल्गी होती हैं जो कि वेल फ्लरिश करती हैं अपने आप को बहुत लो टेम्परेचर में, जैसे कि आपकी आइस हो गई और स्नो हो गई। और इसका एग्जाम्पल भी आपसे पूछा, कोई एक ऐसी एल्गी
बताओ जो कि भाई बहुत आंसर होगा, क्लैमाइडोमोनास, और इसको हेमेटोकोकस निवेलिस इसकी स्पीशीज है। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए कहीं, हेमेटोकोकस निवेलिस, ये स्नो और आइस में मिलती है, ठीक है। और इसी क्रिप्टोफिटिक एल्गी का कारण, जो ये हेमेटोकोकस निवेलिस है ना, इसके कारण से आर्कटिक रीजन में पाई जाती है, वहां पर रीजन का रेड कलर इम्पार्ट कर, रेड रेडिश सा दिखाई देगा सबको, है ना। तो पूछा जा सकता है कि आइस का रेड कलर किस एल्गी के कारण होता है, वो कौन सी एल्गी होती है, क्या उनको टर्मिनोलॉजी हम यूज कर सकते हैं, तो उनको क्रिप्टोफिटिक एल्गी कहते हैं। अदरवाइज अगर आपसे कोई इसका पूछता है कि इसका साइंटिफिक नेम बता दो, सो क्लाइमाइडस निवेलिस, ओके। सो ये हो गई आपकी क्रिप्टोफिटिक एल्गी। ये भी शॉर्ट नोट के लिए अलग से भी इम्पॉर्टेंट, अलग नोट। अब यहाँ पे कैन बी से एज मैच्योर इनफ रिगार्डिंग टू गिव द आंसर्स इन द एग्जामिनेशन, अच्छा ही कर सकते हैं, और भी बस उनको एक बैकग्राउंड मिल गई, वो उसमें और सारी बहुत सारी चीजें ऐड ऑन कर सकते हैं ना। तो ये आप थोड़ा अपने दिमाग में रखें। देन ये ऑर्मोफिटिक एल्गी, थर्मोफिटिक एल्गी, वो थर्मल मतलब कि टेम्परेचर। अब एल्गी को तो नॉर्मली आपको दिमाग में आता होगा, तो लगता होगा ना नॉर्मल पानी में या ठंडे पानी में, इसी टाइप के पानी में होगी, गर्म पानी में तो एल्गी हो ही नहीं सकती, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ एल्गी ऐसी भी हैं जिन्होंने ऐसे अपने आप को एडॉप्ट कर रखा है, ऐसी एडेप्टेशन की डिग्री सेल्सियस या सेंटीग्रेड के लगभग होता है। और इस एल्गी का, ऐसी एल्गी में एक सबसे इंपॉर्टेंट एल्गी आपकी ऑस्टिटुलेरिया ब्रेविस और कॉन्फेरा थर्मेलिस। तो ऑस्टिटुलेरिया ब्रेविस हमारे ये, अगर आप चले जाओ गंगोत्री की तरफ चले जाओ, जहाँ पे कि आपके हॉट स्प्रिंग्स हैं, मतलब गर्म पानी के, वो बोलते हैं ना कि चावल डाल रहे हो बॉयल होकर आ जाते हैं, ऐसे जो हॉट स्प्रिंग्स होते हैं ना जगह जगह पे, हिमाचल में भी बहुत जगह, तो वहां पर आपको एल्गी यही है आपके ब्रेविस, उसने अपने आपको ऐसे अडेप्ट कर लिया है कि वो 85 डिग्री सेल्सियस में भी ग्रो कर सकती है, उससे। तो ये थोड़ा सा नोट करते चलिए, इम्पोर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। तो ये आप जहां जहां बोल रहे हैं वो नोट डाउन करें। फिर दूसरी है हेलोफिटिक एल्गी, ठीक है। तो हेलो का मतलब होता है, हेलोफाइट्स भी होते हैं प्लांट्स, जो कि हाई सेलिनिटी वाले एनवायरनमेंट में, यानी कि जहाँ पे सॉल्ट कंटेंट बहुत ज्यादा होगा, है ना, ज्यादा ही हाई सॉल्टी एनवायरनमेंट होगा। तो ऐसे जैसे कि लेक्स हो, ऐसी कोई लेक होगी, जैसे कि आपको पता है ब्रैकिश वाटर लेक कौन सी है इंडिया में, अगर हम बात करें तो कौन सी लेक है, तो हम बोलते हैं भुवनेश्वर का नाम आता है चिल्का लेक, है ना। तो वहां पर आप, वहां पे भी कोई एल्गी ग्रो होती है, तो वो एल्गी यही है हेलोफिटिक एल्गी, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल है क्लैमाइडोमोनास एरेनबर्गी, जो कि हाई सेलिनिटी एनवायरनमेंट में ग्रो करती है। वैसे हाई सेलिनिटी एनवायरनमेंट में ग्रो, हमारे अगर वेजिटेशन की बात करें तो कौन सी वेजिटेशन दिमाग में आती है, मैंग्रोव्स, ओके। सो मैंग्रोव्स तो वेजिटेशन, तो थोड़ा बड़ा लेवल की वेजिटेशन हो गई ना। अभी तो हम एल्गी की बात करें, तो एल्गी के रिगार्डिंग आप ये थोड़ा याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपके क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए, वो जो शॉर्ट नोट था अनयूजुअल हैबिटेट, उसका हैबिटेट तो पूरा हमने कंप्लीट किया, अनयूजुअल हैबिटेट वाला प्लीज आप थोड़ा ध्यान से करिएगा, वो आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। अब आ जाइए, अब हम करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो क्राइटेरिया है एल्गी के बारे में, हमारा थैलस ऑर्गेनाइजेशन की। एल्गी थैलस आपको पता है बॉडी, भाई एल्गी की बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, किस किस टाइप का उनका बॉडी स्ट्रक्चर होता है या कैसी होती है एल्गी, तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के लिए। थैलस ऑर्गेनाइजेशन इन एल्गी, एक्सप्लेन द थैलस ऑर्गेनाइजेशन इन एल्गी, है ना। तो यहाँ पर हम चल रहे हैं थैलस ऑर्गेन, तो ऑन द बेसिस ऑफ थैलस ऑर्गेनाइजेशन एल्गी आर डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग टाइप्स। पहले तो आपको टाइप्स ही पता होने चाहिए, कौन कौन से टाइप्स हो सकते हैं एल्गी की थैलस ऑर्गेनाइजेशन। तो पहला टाइप होता है यूनिसेलुलर फॉर्म होंगी एल्गी, जहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ कोई सेल नहीं करना है, तो यूनिसेलुलर फॉर्म होगी जहाँ पे और सेल्स हैं। दूसरा फॉर्म है कॉलोनियल फॉर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉलोनियल फॉर्म पे शॉर्ट नोट भी आपका आ सकता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा है फिलामेंटस फॉर्म, फिलामेंटल की आपने पीछे देखी भी, उडोगोनियम देखी आपने, लोथ्रिक्स वगैरह, ठीक है। तीसरा है साइफोनेशियस फॉर्म, और चौथा हो गया आपका पैरेन्काइमेटस फॉर्म। इनमें शॉर्ट नोट के लिए आपका कॉलोनियल फॉर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, साइफोनेशियस फॉर्म इंपॉर्टेंट है, और पैरेन्काइमेटस फॉर्म इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से आप लोग करेंगे, थैलस ऑर्गेनाइजेशन की मतलब एल्गी किस टाइप
से अपना स्ट्रक्चर शो कर सकती हैं, किस टाइप की वो होती हैं, देखने में किस टाइप की होती है। जैसे हम लोग भी हैं ना, जैसे हम लोग हैं उत्तराखंड के लोग हैं, तो उत्तराखंड के लोगों के लिए एक प्रोमिनेंसी बनी हुई रहती है कि हाइट में थोड़े छोटे होंगे और थोड़े गोरे होंगे, ये होगा। हम साउथ के लोगों का दिमाग में एकदम से हमारे आते हैं कि साउथ के लोग कैसे होंगे, थोड़ा डार्क कॉम्प्लेक्शन होगा, है ना, थोड़ा हाइटेड होंगे, इस टाइप का होगा। निग्रोस के बारे में अगर हम बात करते हैं, इफ़ वी टॉक अबाउट द निग्रोस, तो हमें पता चल जाता है कि साउथ अफ्रीकन कंट्री के हैं, तो ऑब्वियसली वो किस टाइप के होंगे। तो इसी तरीके से एल्गी भी भाई किस किस टाइप्स उनका थैलस ऑर्गेनाइजेशन है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैबिटेट्स या ऑन द बेसिस ऑफ देयर अडैप्टेशंस। तो उस अकॉर्डिंग फिर अगर हम बात करें तो यूनिसेलुलर फॉर्म है, कॉलोनियल फॉर्म है, फिलामेंटस फॉर्म है, साइफोनिशियस फॉर्म है और पैनक्रोमेटस फॉर्म है। अब एक वन बाय वन हम इन सबको डिस्कस करते चलेंगे। तो पहले आ जाते हैं यूनिसेलुलर फॉर्म। अब यूनिसेलुलर एक सिंगल सेल होगी, हम एक ही सेल ने करना, तो इसमें दो टाइप की एल्गी होती है। एक होती है मोटाइल, मोटाइल होगी तो ऑब्वियसली दिमाग में एकदम से आ जाना चाहिए कि मोटाइल है तो क्या होंगे उसके पास, लोकोमोटरी ऑर्गेन्स होंगे। अब लोकोमोटरी ऑर्गेन हमारी इतना पैर तो नहीं होंगे उसके पास, है ना, तो एल्गी एक सिंगल सेल है तो उसके पास क्या होते हैं, फ्लैजिला। ये देख रहे हो आप, ये फ्लैजिला ठीक है, ये फ्लैजिला होते हैं, इसी से लोकोमोशन शो करती है एल्गी। तो मोटाइल फॉर्म का एग्जाम्पल है क्लैमाइडोमोनास। ये क्लैमाइडोमोनास का स्ट्रक्चर है, ध्यान से देख लीजिए क्लैमाइडोमोनास इसका स्ट्रक्चर। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट, एक तो इसमें आई स्पॉट है, पूछ रहे हैं आई स्पॉट का क्या काम है, तो ये होता है आपका फोटो सेंसिटिव, तो जिस तरफ लाइट आएगी ये उस तरफ भागना शुरू कर देती है इसके कारण से, ठीक है। तो ये आई स्पॉट इंपॉर्टेंट है। पायरेनॉइड, पायरेनॉइड में रिजर्व फूड मटेरियल पाया जाता है आपका, ठीक है। तो उसके बाद दूसरी जो आपकी फ्लैजिला जिस पार्ट से उसे ब्लेफेरोप्लास्ट बोलते हैं, ये भी आप मेंशन कर लीजिएगा कहीं, ठीक है। अब दूसरी फॉर्म यूनिसेलुलर होती है नॉन मोटाइल। नॉन मोटाइल मतलब कि जो मूव ही नहीं करेगी, है ना, मूव ना करेगी, यानी कि उसके पास लोकोमोटरी ऑर्गन है ही नहीं, नहीं है उसके पास मोशन के लिए कुछ। तो ऐसी यूनिसेलुलर एल्गी का एग्जाम्पल है क्लोरेला। भी पीछे भी आपने देखा था ऐसे राउंड सी इसके पास है, लेकिन इसके पास यूनिसेलुलर फॉर्म, एक ही सेल दिखाई दे रही है ना आपको। तो ओके, नेक्स्ट कॉलोनियल फॉर्म, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से करिएगा कॉलोनियल फॉर्म। अब कॉलोनियल फॉर्म का मतलब क्या होता है, जहाँ पे एक से ज्यादा सेल्स रहेंगी एल्गी की, और वो सब कैसे रहेंगी, कॉलोनी में रहेंगी। जैसे हम लोग रहते हैं ना कॉलोनी में, अलग अलग घर लेकिन एक ही कॉलोनी नाम होता है ना उस कॉलोनी का कुछ, तो इस तरीके से वो कॉलोनी जिसका कि एक डेफिनेट कितनी उनकी सी जैसी होगी, डेफिनेट उनका अरेंजमेंट होगा, एक सुंदर सा स्ट्रक्चर दिखाई देगा आपको, डेफिनेट से स्ट्रक्चर दिखाई देगा जैसे यहाँ दिख रहा है ये। तो ऐसे डेफिनेट कॉलोनी को जिसमें कि डेफिनेट ऐसा सेल हो, इसको हम बोलते हैं सिनोबियम। और ये सिनोबियम फॉर्म वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कभी शॉर्ट टर्म सिनोबियम पे ही आ जाएगा, व्हाट इज सिनोबियम, ये पूछ भी लेंगे आपसे ऑन एग्जाम। वॉलवॉक्स, ये हर एक सिंगल सेल है, ये सिंगल सेल है, लेकिन सिंगल सेल इस तरीके से अपने आप को अरेंज किए बैठी है कि एक बिल्कुल आपको फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ना, परफेक्ट फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर। तो इस टाइप का जब परफेक्ट अरेंजमेंट आपको दिखाई दे, परफेक्ट आपको शेप साइज अरेंजमेंट दिखाई दे, तो इस टाइप की कॉलोनी को हम बोलते हैं सिनोबियम। जैसे कि अगर हम बात करें देहरादून के कंटेक्सट में, या जो देहरादून वाले बच्चे होंगे, तो अगर बेस्ट कॉलोनीज के नाम हम बोलते हैं कि भैया कहाँ सबसे अच्छी जगह है, कॉलोनी में सबसे पहला नाम आता है वसंत विहार, है ना, क्यों, क्योंकि बहुत ऑर्गेनाइज्ड है, वेल मैनर्ड है बिल्कुल, मतलब वहाँ पे पेडेस्ट्रियल्स के लिए प्रॉपर फुटपाथ छोटा छोड़ा गया है, घर बड़े अच्छे से हैं, ऐसे कोई चिपके चिपके कॉलोनीज के बारे में आ जाता होगा दिमाग में, क्योंकि कि वो परफेक्टली अरेंजमेंट हो, ऐसे ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बोल सकते हो कि एक सिनोबियम फॉर्म आपको दिखाई दे दी है। दूसरी बात करें पाल भाई, डिफरेंट होंगी लेकिन उनका अरेंजमेंट कोई बोलते जो कॉलोनी होती है उसको प्लॉइड फॉर्म बोलते हैं, सिनोबियम या उसका एक्सप्लेट टेट्रास पूरे देख भी रहे हो आप, टेट्रास पूरा। यहाँ हमारे फिलामेंटस, फिलामेंटस में मैंने आपको पहले बताया कि लाइक स्ट्रक्चर रिबन लाइक होगा, उनकी भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिलामेंटस। तो एक होती है
ब्रांचेस में यहाँ देख रहे हो आप, यहाँ ब्रांचिंग दिखाई दे रही है, नहीं दिखाई दे रही ना, तो इस टाइप वाला जो फिलामेंटस फॉर्म होती है उसको बोन ब्रांच्ड, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल है यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगायरा और उडोगोनिया, तीनों मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। कोई ब्रांचिंग नहीं हो रही, कहीं कोई ब्रांच नहीं निकली हुई, सीधे सीधे हैं बिल्कुल, ठीक है। देन कम टू द नेक्स्ट, यहाँ पर आपको आपको यहाँ पर आपको दिख ब्रांचिंग दिखाई दे रही है, वो पहले तो हमने अनब्रांच नहीं, ब्रांचिंग दिखाई दे रही है, ठीक है। तो ब्रांच फॉर्म में सिंपल फिलामेंट्स होते हैं, ब्रांच अराइज फ्रॉम एनी सेल एक्सेप्ट द बेसल सेल। तो ये एग्जांपल है क्लैडोफोरा का, क्लैडोफोरा में बेसल सेल, बेसल सेल से कोई ब्रांचिंग नहीं होगी, जितनी भी ऊपर जाएंगे फिलामेंट उनसे ब्रांचिंग होगी, बेसल सेल छोड़कर। तो इस टाइप की सिंपल फिलामेंट, ओके, सिंपल फिलामेंट मतलब ब्रांच फॉर्म में सिंपल फिलामेंट। Then next, heterotrichous form, ये बहुत ज़्यादा important है, ये आप का इसको heterotrichous thallus है। In this thallus consist of two types of filaments, इसमें दो type के मतलब इसमें prostrate, ठीक है, और दूसरा करेंगे वो प्रोजेक्टिंग और इरेक्ट। एक तो प्रोस्टेट मतलब कि जो हॉरिजॉन्टल टू द सबस्ट्रेटम चलेगा, ठीक है, जैसे ये दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ देख रहे हो ये हॉरिजॉन्टल टू द सबस्ट्रेटम चल रहा है, यहाँ से ब्रांचिंग हो रही है, ठीक है। लेकिन दूसरा होगा आपका प्रोजेक्टिंग, प्रोजेक्टिंग मतलब होगा जो कि वर्टिकल, तो आपके प्रोस्ट्रेट के लाएंगे और उसके ऊपर से जैसे सिंग लाइक स्ट्रक्चर्स निकल रहे हैं या ऊपर की तरफ वर्टिकल उनका प्रोजेक्शन हो रहा है, तो उनको प्रोजेक्टिंग या इरेक्ट बोलेंगे हम। और इसका एग्जांपल इस टाइप की एल्गी जो ऐसा शो करती है हेटरोट्राइकस फॉर्म, उसको फ्रिशेला बोलते हैं। और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट लाइन हम कोट करने जा रहे हैं, ये देखिए आप, इट हैज बीन बिलीव दैट, ये माना जाता है कि जो लैंड प्लानी से ही इवॉल्व हुए हैं, हेटरोट्राइकस एल्गी से इवॉल्व हैं, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट भी जाता है, शॉर्ट नोट के अलग से भी पूछा जा सकता है हेटरोट्राइकस एल्गी के बारे में, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाइए आप, तो यहाँ पर आपका कैसा है स्यूडो पैरेन्काइमेटस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्यूडो, स्यूडो का मीनिंग होता है फॉल्स, फॉल्स पैरेन्काइमेटस फॉर्म दिखाई देंगे, मतलब डिवीजन फॉल्सली आपको दिखाई दे, प्रॉपर प्रणाली फॉर्म कहती है क्लोज एग्रीगेशन ऑफ न्यूमरस इंटर विंड ब्रांच फिलामेंट्स दैट कलेक्टिवली फॉर्म द थैलस हेल्ड टुगेदर बाय म्यूसिलेजेस स्पेशली इन रेड। और ये स्यूडो पैरेन्काइमेटस जो मेनली जो आपका थैलस मिलता है या आपको मिलता है रेड एल्गी में, यानी कि रोडोफाइसिन मेंबर में, उनके एग्जाम्पल है पॉलीसाइफोनिया एंड बेट्राकोस्पर्मा। मैं बेट्राकोस्पर्मा के बारे में मैंने अभी आपको एक चीज क्लियर कर दी कि यही एक ऐसी एल्गी है जो कि फ्रेश वाटर रेड एल्गी है, अदरवाइज सारी रेड एल्गी कैसी होती है, मरीन होती है, ठीक है। और ये देखो यहाँ पर अगर आप देखो ये है बेट्राकोस्पर्मा, तो ये कैसा यूनियन यहाँ पे एक ही एक्सिस, तो एक आई फिर ये डिवाइड हो गई, फिर इससे दो निकल गए, फिर इससे दो, तो ये कैसी है मल्टी एक्सियल है। तो ये आपकी जो बेट्राकोस्पर्म है, तो यूनिएक्सियल स्यूडो पैरेन्काइमेटस फॉर्म है, एक ही एक्स से बहुत सारे फिलामेंट्स निकल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर पॉलीसाइफोनिया में क्या है एक्सेस जा रही है, फिर डिवाइड हो रही, फिर डिवाइड हो रही, फिर डिवाइड मल्टी एक्सेल, ओके। देन फिर नेक्स्ट, अब इसके बाद हम बात, ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप शॉर्ट नोट के लिए तैयार करेंगे। देन साइफोनेशियस फॉर्म, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये इलोंगेटेड थैलस होता है, इसमें सेप्टेशन नहीं होता कहीं, मतलब इलोंगेटेड है, लंबा फ्लैटेंड है, लेकिन यहाँ पे सेप्टेशन है कि सेल के कोई सेल्स नहीं होंगे, थैलस एक ही सिंगल सेल से ही बना हुआ आपका होगा। लेकिन यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन आपको नोट करनी है, मल्टी न्यूक्लिएट, और मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन को बोलते हैं सिनोसेटिक कंडीशन। ये देख रहे हो आप यहाँ पर, ये देख को कितने सारे न्यूक्लियस हैं एक ही सेल के अंदर, ठीक है, ये देख रहे हो आप यहाँ पे, ये बिल्कुल एक एक सिंगल सेल। तो इस नेशन जहाँ पे कि कोई सेप्टेशन, यहाँ पे ऐसे ऐसे लाइन खींची होती है, सेप्टा होते हैं ना, अलग अलग सेल्स होते हैं, लेकिन एक ही जैसी सेल्स पूरी शो कर रही है, जिसमें कि मल्टी न्यूक्लियस है, तो इस टाइप की फॉर्म को हम बोलते हैं साइफोनेशियस। और इसका बेस्ट नोन एग्जांपल है वाउचेरिया। प्लीज ये याद, मतलब ये आप अपने आप इनको कहीं नोट भी कीजिए और इनको बाद में करना भी घर में बैठ के, ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट है। देन फिर नेक्स्ट आ जाइए पैरेन्काइमेटस फॉर्म। अब पैरेन्काइमेटस फॉर्म तो पता है कि भाई सेल डिवाइड हो रहा है, कोई कुछ नहीं जा रही है और खूब बड़ा स्ट्रक्चर ले रही है। तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है फियोफाइसिन मेंबर, यानी कि ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी ऐसी एल्गी होती हैं जो कि आपकी पैरेन्काइमेटस फॉर्म होती है, यानी कि वहीं पे एक ही सेल से डिवाइड 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 और एक बड़े से स्ट्रक्चर बना रही है। इसी कारण
फियोफाइसी के कारण ही क्या होता है, बहुत ज़्यादा मरीन एनवायरनमेंट में क्या होता है आपका, पोल्यूशन हो जाता है, क्योंकि और किसी को तो ग्रो करने की जगह नहीं रहती, पूरी बड़े बड़े मैट बना देते हैं वही डिवाइस, जिस तरह की जो मैंने बताया मैक्रोसिस्ट्री, देखो कितनी बड़ी है, इतनी बड़ी, ठीक है। और इनको नॉर्मली कैल्स बोलते हैं, सी कैल्स, जो फियोफाइसियन मेंबर होते हैं ना, फियोफाइसियन मतलब कि ब्राउन एल्गी जो होती है वो बनाती हैं सी कैल्स। सी कैल्स का मतलब होता है सी में, समुद्र में बड़े बड़े पत्ते नुमा या बड़ी बड़ी एल्गी जो दिखाई देते हैं उनको सी कैल्स बोलते हैं। और ये इसीलिए कर पाती हैं क्योंकि ये पैरेन्काइमेटस होते हैं, मतलब डिवाइड 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 डिवाइड, और वहीं पर सब इकट्ठा होता चला जाता है, ठीक है। तो ये आप नोट डाउन करें, और प्लीज एक रिक्वेस्ट है, ये लाइन वाइन ना ड्रॉ करें आप लोग, ठीक है। अच्छा, अब एक अलग सा भी एक डिफरेंट, और एशी पाम भी एल्गी होते हैं। अभी एल्गी कहीं से लग रही है आपको, आप बोलोगे नहीं ये तो एल्गी नहीं, ये तो पता नहीं क्या, ये तो प्लांट ही है, ठीक है। और इसको सी पाम बोलते हैं, इसका पोस्टिलेल्शिया इसका आपका नाम है, और इसको हम अलग ही पढ़ते हैं, तो इसके आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आ जाइए, ऑर्गेनाइजेशन भी हो गया, हैबिटेट भी हो गए हमारे, है ना, एल्गी का इंट्रोडक्शन भी हो गया, तो अब बात कर लेते थोड़ा न्यूट्रिशन तो दे दिया, क्लोरोफिल कैटेगरी में आएंगी, ऑटोट्रॉपिक, ठीक है। तो द ट्रॉपिक एल्गी ऑस्मोट्रॉपिक, यानी कि एब्जॉर्ब करेंगे न्यूट्रिएंट सोल्यूबल फॉर्म, ऑयली पीछे है ना, आने एल्गी आर मेनली ऑटोट्रॉपिक, लेकिन कुछ देखो एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर, ठीक है ना, एक्सेप्शंस हर जगह होना पड़ेगा, जब आप रिसर्च करोगे कुछ करोगे, देन यू विल कम टू नो अबाउट ऑल दिस, है ना। तो यहाँ पे तो ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एल्गी के रिगार्डिंग, पिगमेंट्स इन एल्गी। अब पिगमेंट कुछ ग्रीन को हम बोल रहे हैं, ब्राउन है, कुछ रेड है ना, तो कैरोटीन्स तो सभी एल्गी में पाया जाता है, ये तो बहुत कॉमन, लेकिन कुछ एल्गी में क्या होता है, क्लोरोफिल के साथ साथ, क्लोरोफिल बोला ना, इसमें पाए जाते हैं। और मैं यहाँ पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट एक पिगमेंट का नाम बता रहा हूँ, फ्यूकोजेंथिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे नोट की, जिस होता है ये पूछा जाएगा आप ब्राउन एल्गी इज अलावा को भी पाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है जी। फिर दूसरा, रेड एल्गी का रेड कलर क्यों होता है, तो रेड एल्गी का रेड कलर होता है, ठीक है, वो इथ्रीन है, और वो भी आर वाला, ठीक है। जब एल्गी का कलर ग्रीन किस साइन का मीन, इथ्रिन का मतलब होता है रेड, ठीक है ना, तो इरिथ्रिन रेनिन हो जाएगा ब्लू इनका कलर, तो ब्लू कारण है, ब्राउन कलर है आपका फ्यूकोजेंथिन के कारण, और रेड एल्गी का रेड कलर है आपका फाइको इरिथ्रिन के कारण। तो इसको प्लीज आप कहीं नोट किए, कैसे एग्जाम यहाँ ना पूछे जाए तो कहीं ना कहीं तो पूछे ही जाएंगे आपसे, ठीक है। नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्लैजिला पे, फ्लैजिला अभी हमने बात करी कि फ्लैजिला आर मेनली और रिस्पॉन्सिबल फॉर, अब सभी पाए जाते हैं फ्लैजिला लोकोमोटरी, लेकिन रोडोफाइसी को छोड़ दें, और इनका मेन फंक्शनलिटी मतलब मोशन जानने के लिए हेल्पफुल होते हैं। अब दो टाइप के आपके फ्लैजिला होते हैं, एक होता है विप्लैश और एक्रोनिमेटिक पोजेज स्मूथ सरफेस, ये होते हैं विप्लैश टाइप के, चाबुक नुमा टाइप के होते हैं, चाबुक नुमा टाइप के, जिसमें कोई हेयर लाइक, ठीक
ठीक है, जैसे चाबुक मारते हैं ना तो इनको बोलते होता है कि देख रहे हो ये कोई इसमें सीरिया टाइप की कोई अपेंडेजेस नहीं है। दूसरा होता है टिन सेल और प्यूरोनेमेटिक, इसमें क्या होता है फाइन आपको ये फेब्रिल्स दिखाई देंगे जो कि सीलिया जैसे हैं और इस टाइप के फ्लैजिला को बोलते हैं हम टिन, अच्छा है ना, तो उस टाइप का है ये आपका देख लो, है ना, और ये बिल्कुल स्मूथ है। ठीक है, तो ये दो टाइप के फ्लैजुलास आपके एल्गी में मिलते हैं, तो ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए कहीं और ये याद रखिए, दिमाग में रखिए बस अपने। ठीक है, देन रिप्रोडक्शन। ओके स्टूडेंट्स, वन रिक्वेस्ट टू यू, फर्स्ट जस्ट कंप्लीट द स्लाइड शो, देन वी विल डिस्कस द क्वेश्चन लेटर ऑन। तो अभी आप लोग रेज ना करें जो भी है, अभी पहले प्रेजेंटेशन, जो भी आपका क्वेश्चन है यू जस्ट राइट डाउन समवेयर और फिर उसके बाद हम उसको बाद में डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आते हैं, रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन आपका एल्गी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब एल्गी का रिप्रोडक्शन इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ भी क्वेश्चन रेज होगा आपसे जब भी आप कहीं इंटरव्यू देने जाओ या कुछ भी जाओ। एक क्वेश्चन तो ये तो रेज होता ही कि एल्गी और फंजाई में क्या डिफरेंस है, दो दे आर द organisms comes under the thallophyta, but what are the peculiar differences amongst them? तो वो तो आप बता ही दोगे, लेकिन एक जो सबसे important जो examiner सुनना चाहता है आपके मुँह से वो reproduction का ही criteria है, दोनों का one of the basic difference जो है। तो आपका जो अगर हम बात करते हैं algae के context में, तो algae में जो sexual reproduction होता है, sexual वाला algae के context, वो होता है progressive। Progressive मतलब कि low को प्रोसीड ऑन होगा, उल्टा होता है। फंजाई में क्या होता है, रेट्रोग्रेसिव होता है। कई बार शॉर्ट नोट के लिए रेट्रोग्रेसिव आ जाता है जब आप फंजाई करोगे, तो वहां वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो रेट्रोग्रेसिव का मतलब क्या होता है कि लोअर मेंबर्स में तो हाई टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाएगा और हायर क्लास में लोअर टाइप का पाया जाएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ठीक है ना, तो इसीलिए वहां फंजाई में एक ड्यूटेरियोमाइसिटिस एक क्लास है फंजाई का, उसको फंजाई इंपरफेक्टाई कहते हैं। वो एडवांस तो बहुत ज्यादा है लेकिन वहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टोटली एब्सेंट ही होता है। तो दैट्स व्हाई, तो यही डिफरेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस हो जाता है एल्गी और फंजाई के बीच में, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, अभी किस किस के थ्रू हो सकता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बहुत कॉमन है एल्गी में, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी बहुत कॉमन है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी बहुत कॉमन है। अच्छा, यहाँ पर भी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स आएंगी, वो एग्जाम में आपके पूछे जा सकते हैं। आप कहीं भी जाओ, यहाँ का एग्जाम दो, कहीं का भी दो, तो साथ ही साथ उसको भी आप, पहला है वेजिटेटिव, दिमाग में आते हैं हमारे एक ही चीज आती है फ्रेगमेंटेशन बडिंग, ऐसा ही प्रोडक्शन होता है, वो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है। अब फ्रेगमेंटेशन तो बताना शायद सभी को है, जब बहुत सारे कैबल हो जाते हैं नया थैलस बनाने के, तो उसको फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। तो जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर स्पायरोगायरा का एक थैलस है और ये देखो टूट गया दो में, अभी एक इंडिविजुअल था पहले पेरेंट, अब कितने बनाएंगे, दो बनाएंगे, फिर इन दो से भी चार, इस तरीके से ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आपका रिप्रोडक्शन शो हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये वाला पॉइंट आप लोग कहीं नोट करिए, इससे आपका क्वेश्चन आ सकता है। इन मिक्सोफाइसी और साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी में ना, इन फ्रेगमेंट्स को, जो ये फ्रेगमेंट्स बन रहे हैं वो भी फ्रेगमेंटेशन, लेकिन जो फ्रेगमेंट्स बन, इनको हम फ्रेगमेंट्स नहीं कहेंगे, उनको हम बोलेंगे हार्मोगोनिया। हार्मोगोनिया इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। ये कब बनता है, अंडर अनफेवरेबल कंडीशन। मान लीजिए वहाँ पे पानी पुनी पूरा नहीं है, अभी थोड़े दिनों बाद फेवरेबल कंडीशन आएगी, तो तब तक वो जिंदा कैसे रहेंगे, वो अपने बाहर एक म्यूसलेज की कवरिंग कर देती हैं वो फ्रेगमेंट्स, ठीक है, जिससे कि बची रहती है एडवर्स कंडीशन, और जब फेवरेबल कंडीशन आती है वो डिजेनरेट हो जाती है म्यूसलेज और ये फिर नए इंडिविजुअल ग्रो करते हैं। ठीक है, तो हार्मोगोनिया भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आप हार्मोगोनिया भी कहीं नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, देन कम टू द नेक्स्ट, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब कैसे होगा, वो हमने वेजिटेटिव कर लिया, अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा भाई? तो यहाँ तो बहुत सारी टर्म्स इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको पता ही है कि कैसे होगा, जहाँ पे सिंगल इंडिविजुअल ही जरूरी है, मतलब या मेल और फीमेल दोनों का रहना कोई ज्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक ही होगा तो उससे हो जाएगा। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो मैथड्स हैं वो बहुत सारे मैथड्स हैं, तो पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट मैथड है वो है जू स्पोर्स। तो जू स्पोर्स क्या होते हैं, अब तुम एनिमल स्पोर मत समझ लेना इनको, ठीक है, जू है नाम वो, बट वो जू स्पोर एनिमल स्पोर नहीं है। ये होते हैं आपके नेकेड प्रोटोप्लाज्मिक बॉडीज विच मूव बाय मींस ऑफ फ्लैजिला और सीलिया। जू स्पोर्स आर बाय, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट, देखो क्या हुआ, ये पेरेंट बॉडी थी, पेरेंट बॉडी ने क्या किया, अंदर ही जू स्पोर डेवलप कर लिया और बिल्कुल क्लैमाइडोमोनास जैसे लग रहे हैं ना आपको, इस टाइप से फ्लैजिलेटेड
प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट्स ऑफ द पेरेंट बॉडी, तो इसको बोलते हैं जू स्पोर्ट्स, और ये जनरली आपका फेवरेबल कंडीशन में ही बनते हैं जब नॉर्मल कंडीशंस होती हैं, ठीक है। अब जू स्पोर्ट्स जो होते हैं बायफ्लैजिलेट, जैसे दो फ्लैजिला आपको दिख रहे होंगे जू स्पोर्ट्स में, तो ये किसमें बनते हैं, ये होते हैं यूलोथ्रिक्स में, और मल्टीसीलिएट जिसमें बहुत सारे बनेंगे, देखो 2, 4, 5, 10 जितने भी बन सकते हैं, ये मिलता है आपको ओडोगोनियम में, ठीक है, ये ओडोगोनियम फिलामेंटस फॉर्म है यहाँ से। तो क्यों बोल रहे हैं इनको कि ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है जू स्पोर्ट्स, क्योंकि इसमें एक सिंगल पेरेंट, कोई भी सिंगल पेरेंट हो, बस वो नॉर्मली अपना जो बेसिक रिप्रोडक्शन करना होगा किसी भी पेरेंट की, सिंगल पेरेंट की, और इनके पास फ्लैजिला होते हैं, और बायोफ्लैजिलेट अगर बोले तो यूलोथ्रिक्स के कॉन्टेक्स्ट में, और मल्टीफ्लैजिलेट अगर हम बोले तो ये ओडोगोनियम के कॉन्टेक्स्ट में होते हैं, ठीक है। देन कम टू द नेक्स्ट ओचीडिया के केस, यहाँ थोड़ा इम्पोर्टेंट, एक एक सेल दिखाई दे रही थी, यहाँ पे मल्टी सेलर होते हैं और मल्टी सीलिएट होते हैं, ये देखो पूरा कितनी सारी सेल्स हैं और कितने सारे फ्लैजिला, तो मल्टी हो गए ना, सीलिएटेड और मल्टी फ्लैजिलेट हो गए, तो इस टाइप के जू स्पोर को बोलते हैं सिन जू स्पोर। इंपॉर्टेंट है सिन जू स्पोर्स क्या होते हैं, तो सिन जू स्पोर्स कुछ नहीं है, जू स्पोर्ट्स ही है। अब सिन का मतलब है एक साथ, कलेक्टिवली, तो जब बहुत सारे जू स्पोर्ट्स एक साथ एक परफेक्ट स्ट्रक्चर ले लेते हैं, तो वो मल्टी सेलर हो जाते हैं और वो मल्टी सीलिएट हो जाते हैं, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं सिन जू स्पोर। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये शॉर्ट नोट के लिए आ सकता है, ठीक है। डिफरेंस भी पूछ सकते हैं जू स्पोर्ट्स सिन जू स्पोर्ट्स में क्या डिफरेंस है, तो जू स्पोर्ट्स आर यूजुअली, ये कब निकलते हैं, ये नाइट के टाइम पे निकलते हैं, जब रात होती है ना, रात को लिबरेट होते हैं, ठीक है, लिबरेट इन मतलब रात को ये यूजुअली फॉर्म होते हैं, और अर्ली मॉर्निंग मतलब थोड़ा अंधेरा अंदर ऐसा रहता है, तो इनको इट्स अ न्यू फॉर्म, और बनते भी फेवरेबल कंडीशन है, फेवरेबल कंडीशन में जहां गिरेंगे वहां इंडिविजुअल को जर्मिनेट कर देंगे। देखो ये रहा, ये देखो एक सिंगल पेरेंट बॉडी से सारे यहाँ पर हो गए सेल्स कॉन्स्टिट्यूट, एक ही मास में रहे, फिर उसके दिन में फ्लैजिला डेवलप हुए, निकल गए ऐसे बाहर, और ये देखो ये पूरा इन्होंने से स्पोर बना दिया, और ये डेवलप करे। अब आ जाता है एप्लानोस्पोर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये एप्लानोस्पोर्स क्या होते हैं, तो दे आर द थिन वॉल्ड नॉन मोटाइल स्पोर, वो मोटाइल स्पोर थे जू स्पोर्स, लेकिन ये भी जू स्पोर्स, लेकिन कैसे जू स्पोर्स है, जिनके पास थिन वॉल्ड और जिनके पास मोटाइल स्ट्रक्चर्स नहीं होंगे, इनकी फ्लैजिला वगैरह वो ये भी वही है, बस इनके फ्लैजिला वगैरह ने, तो इनको क्या नाम दे दिया, एप्लानोस्पोर। यही डिफरेंस है जू स्पोर्स और एप्लानोस्पोर्स में, कि जू स्पोर्स में आपको दे आर थिन वॉल्ड और नॉन मोटाइल स्पोर्स हैं, ओके। तो अब इसमें अब आप आगे चलते हैं, इसमें ये अब डिफरेंस पता चल गया ना, जू स्पोर्स कंफ्यूज ना होना, यहाँ पे बहुत सारे टर्म्स आएंगे अभी, तो धीरे धीरे आप चीजों को समझिए। देन नेक्स्ट है हिप्नोस्पोर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट नोट के लिए ऐसे ही पूछ लेंगे आपसे, हिप्नोस्पोर क्या होता है, तो ये भी एप्लानोस्पोर है, ठीक है, लेकिन जब ये एक कवर्ड कर ले अपने आप को थिक वॉल, देन दीज थिक वॉल नॉन मोटाइल स्पोर्ट्स, ये कब, अब भाई जब भी कोई थिक वॉल डेवलप हो रही है, आप हमेशा पढ़ रहे हो थिक वॉल कब डेवलप हो रही है, जब कोई अनफेवरेबल कर ले, तो एप्लानोस्पोर्स भी वो बन तो गए, लेकिन उन्होंने देखा कि अभी तो एनवायरमेंट हमारे लिए है ही नहीं सुटेबल जर्मिनेट करने के लिए, तो हम क्या करते हैं, अपने बाहर एक म्यूसलेज की कवरिंग डेवलप कर लेते हैं, और जब कंडीशन नॉर्मल होगी तब हम ग्रो करेंगे। तो वही एप्लानोस्पोर के बाहर अगर थिक वॉल डेवलप हो जाए जो कि उनको बचाए अनफेवरेबल कंडीशन से, तो ऐसे एप्लानोस्पोर्स क्या बन जाएंगे, आपके हिप्नोस्पोर बन जाएंगे, और इसका एग्जांपल है आपका यूलोथ्रिक्स और वाउचीरिया, ये देख रहे होंगे आप यहाँ स्क्रीन पे अपने, ये जो स्पोर्स बन रहे हैं थिक वॉल्ड हो रखी है, और ये कब बनेंगे, ये भी एप्लानोस्पोर्स ही हैं, लेकिन ये ऐसे एप्लानोस्पोर्स हैं जो कि अनफेवरेबल कंडीशन में बन रहे हैं, और अपने आप अपने चारों तरफ उन्होंने थिक वॉल डेवलप कर रखी है, जिसके कारण से कि वो अनफेवरेबल कंडीशन में भी रेजिस्ट करें अनफेवरेबल कंडीशन को, और जब फेवरेबल कंडीशन आए तो फिर वो ग्रो कर जाएं। तो ये देखो एक के बाद एक आपको क्लियर होते चले जा रहेंगे, तो हिप्नोस्पोर पे भी शॉर्ट नोट आ सकता है, या प्लानोस्पोर्स नहीं है बस ये भी, ठीक है। अच्छा टेट्रास्पोर्स क्या होते हैं,
तो टेट्रा स्पोर्स क्या होते हैं कि आपका जो डिप्लॉइड प्लांट है, सम एल्गी मेनली इसमें आपका रेड एल्गी में ही शो होता है आपका, ठीक है ना। तो ये वो एप्लानोस्पोर्स हैं, जैसे कि आपके एंजियोस्पर्म में बनता है ना, स्पो माइक्रोस्पोरेंजियम के बाद स्पोर टेट्राड बनता है जैसे, यानी कि एक मदर सेल कितने स्पोर्स बनाती है, चार। तो ऐसे चार स्पोरेंजियम को क्या बोलेंगे, टेट्रा स्पोरेंजियम के बाद, किसके बाद होंगे, मियोसिस। यानी कि एक सिंगल मतलब पहले तो जो मदर सेल रहेगी तो डिप्लॉयड रहेगी, लेकिन जब उसमें मियोसिस के थ्रू टेट्रा स्पोरेंजियम में टेट्रा स्पोर्स बने तो वो कैसे हो जाएंगे, सिंगल टेट्रा स्पोर कैसा हो जाएगा, उसमें इंडिविजुअल सेल क्या होगी, हैप्लॉइड होगी बस, और जैसे वो ग्रो जर्मिनेट करेंगे तो वो भी न्यू इंडिविजुअल्स में डेवलप हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको दे रहे हो पॉलीसाइफोनी में, एक सिंगल सिंगल सेल टेट्रा स्पोर्स में डेवलप अपने आप को कर देगी, ठीक है। तो ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है, चार स्पोर्स डेवलप हो रखे हैं, तो ये टेट्रा स्पोर्स हैं, ये भी एसेक्सुअल स्पोर्स हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मियोसिस हो जाता है। अच्छा, ऑटो स्पोर्स, ये भी बहुत सिंपल, ऑटो मतलब खुद बन जाने वाले, बिल्कुल पेरेंट जैसे ही बन जाए अपने आप इधर। ये वो एप्लानो स्पोर्स हैं विद अ स्ट्रक्चर सिमिलर टू द पेरेंट सेल, आर कॉल्ड ऑटो स्पोर्स इन सब। और ये मेनली आपका क्लोरोकोकेल्स, जैसे कि आपके सेंडेस्मम और क्लोरेला में, ये देखो पेरेंट जैसे ही बन रहे हैं, जैसे चार ये डिवाइड हो जाएंगे और फिर पेरेंट जैसा स्ट्रक्चर बाद में ले लेंगे, ठीक है। तो ये आपके होंगे ऑटो स्पोर्स, खुद ही अपने आप ही पेरेंट जैसे बन जाना, तो उनको ऑटो स्पोर बोलते हैं। देन फिर आ जाइए ऑक्सो स्पोर, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, और स्टाटो स्पोर्स। तो ये क्या होते हैं, दीज आर द एसेक्सुअल स्पोर्स प्रोड्यूस इन, ये मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है बैसिलियोफाइसी मेंबर की, जिन्हें हम डायटम्स भी बोलते हैं। योर आंसर विल बी बैसिलियोफाइसी और डायटम्स, ठीक है। यहाँ पे प्रोटोप्लास्ट क्या होता है, डिवाइड होता है टू फॉर्म अ स्पेशल टाइप ऑफ एप्लानोस्पोर्स नोन एज ऑक्सो। सो ये देख रहे हो आप, न्यूक्लियस डिवाइड हो गया, यहाँ पर मियोसिस फॉर्म होंगे तो सिंगल सिंगल सेल्स बनती चली जाएंगे, ऑक्सोस्पोर्स टाइप के, ठीक है ना। तो ये डायटम्स किस टाइप की पेकुलर कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट एकाइनिड्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एकाइनिड्स तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये मेनली किसमें बनते हैं, साइनोफाइसिन मेंबर्स में मिलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी में, जनरली नॉस्टोक और एनाबेने में। अब मैंने आपको बताया था कि नॉस्टोक और एनाबेने के पास एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू, एक सेल होती है जिसको हम हेट्रोसिस्ट कहते हैं, बस उस हेट्रोसिस्ट के आसपास ही कहीं पर क्या होता है कि कुछ वेजिटेटिव सेल्स जो होती है वो थिक वॉल्ड हो जाती है अनफेवरेबल कंडीशन में, और उनके अंदर खुद स्पोर्स बन जाते हैं मेयोटिक डिवीजन से, और क्योंकि उनके अंदर फूड भी बहुत ज्यादा होता है, अच्छे नाइट्रोजन फिक्सेशन तो कर ही लेते हैं, फूड रिजर्व भी अच्छा है। तो इस टाइप के स्पोर्स जो कि किन में बनते हैं, मेनली साइनोफाइसिन मेंबर में बनते हैं ड्यूरिंग द अनफेवरेबल कंडीशन, ठीक है, और जनरली ये एडजेसेंट ही रहते हैं आसपास, हेट्रोसिस्ट के आसपास जो रहते हैं, इस टाइप के स्पोर्ट्स को बोलते हैं हम एकाइनीट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये देख भी रहे हो आप यहाँ डायग्राम में, एकाइनीट्स ये हेट्रोसिस्ट है, इसके जस्ट आसपास ये क्या बने हैं, एकाइनीट्स बने, ठीक है। और इनके पास खाना वाना खूब पूरी अमाउंट में रहता है, तो जब फेवरेबल कंडीशन आएंगे तब तक ये खाना वही इस्तेमाल करते रहते हैं, फिर जैसे फेवरेबल कंडीशन आएंगे अपना ग्रो कर जाते हैं, ठीक है। तो एकाइनीट्स भी इंपॉर्टेंट है, याद कीजिएगा इसको या पढ़ लीजिएगा। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसका अलग से क्वेश्चन आ सकता है आपके पास, एक्सप्लेन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्गी, ठीक है। तो सारी ही एल्गी ऑलमोस्ट सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होती हैं, सिर्फ साइनोफाइसिन सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होने का इतना कैपेबिलिटीज नहीं रखते हैं। अब आपको पता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, गैमिट का फॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब गैमिट जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं कहाँ, स्पेशलाइज स्ट्रक्चर में, जिन्हें हम गैमिटेंजिया बोलते हैं, ठीक है। और जब गैमिट्स यानी मेल और फीमेल गैमिट फ्यूज होता है तो क्या बनता है, आपका जाइगॉट बनता है। तो यहाँ पर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पहला रिप्रोडक्शन है, दैट इज योर ऑटोगैमी, ठीक है। ऑटो का मतलब सेल्फ, ऑटोमोबाइल पढ़ते ना, ऑटोमोबाइल सेल्फ स्टार्ट या कुछ भी, ऑटोमोबाइल खुद हो जाना। तो जब दो गैमिट्स ऑफ द सेम मदर सेल के, मतलब सेम मदर सेल के दो गैमिट्स क्या होंगे, फ्यूज होंगे टू फॉर्म अ डिप्लॉयड न्यूक्लियस टू फॉर्म जाइगोट, ये जाइगोट बनते हैं। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे कैरियोगैमी नहीं होगा, यानी कि न्यूक्लियस का मिक्सचर, न्यूक्लियस का आपका फर्टिलाइजेशन मतलब एक साथ मिक्सिंग नहीं होगी, और नो न्यू कैरेक्टर, यहाँ पे नए कैरेक्टर्स भी अपेयर नहीं होंगे। जब न्यूक्लियस ही नहीं फ्यूज होगा तो नए कैरेक्टर कहाँ से अपेयर होंगे, क्योंकि मेन जेनेटिक मटीरियल कहाँ होता है, न्यूक्लियस में। तो यहाँ पे जेनेटिक वेरिएबिलिटी नहीं आएगी, और ये किसका एग्जाम्पल है आपका, इसका एग्जाम्पल
मेंबर्स हैं आपके बेसिलियोफाइसिन मेंबर, ठीक है, डायटम्स में ऑटोगेमी पाए जाते हैं, इनकी नया कैरेक्टर तो यानी कि एडवांस तो नहीं हुआ ना, ये थोड़ा सा वीक टाइप का हुआ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। फिर आ जाइए होलोगैमी, दूसरा टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब होलोगैमी कौन सी चीज है भाई, ये क्या होता है? तो इन सब यूनिसेलुलर एल्गी, द वेजिटेटिव सेल्स ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन, डिफरेंट स्ट्रेन बन जाते हैं वेजिटेटिव। वाउचीरिया का केस है, एक फिलामेंट उसका पॉजिटिव बन जाएगा, दूसरा फिलामेंट नेगेटिव की तरह अफेक्ट करेगा और दोनों आपस में अपने प्रोटोप्लाज्म और न्यूक्लियस वगैरह को फ्यूज करवा देंगे। तो इसको और किसके तरह बिहेव करेंगे, गैमेट्स की तरह बिहेव करेंगे, तो क्या बन जाएगा आपका, जायगोट बन जाएगा, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स फ्यूजन ऑफ टू सेल्स हैविंग डिफरेंट जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट, दैट्स व्हाई इट इज मच एडवांस। और यहां पर जब दोनों के न्यूक्लियस भी फ्यूज हो रहे हैं, तो न्यूक्लियस फ्यूज हो रहे हैं तो जेनेटिक मटेरियल फ्यूज हो रहा है। अब जेनेटिक मटेरियल फ्यूज हो रहा है तो क्या होगा, एडवांस कैरेक्टर डेवलप हो जाएगा ना, इसी कारण ये एडवांस है। किससे, ऑटो, वहां पे तो सिर्फ दो मदर सेल्स फ्यूज कर रही थी लेकिन कैरियोगैमी नहीं हो रही थी वहां पे, यानी कि न्यूक्लियस फ्यूज नहीं हो रहे थे, तो जेनेटिक मटेरियल वेरिएबिलिटी आ ही नहीं रही थी, है ना। लेकिन होलोगैमी में क्या हो रहा है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्ट्रैंड आ रहे हैं साथ में लेकिन वो अपने न्यूक्लियस भी फ्यूज कर रहे हैं, तो वहां पर जेनेटिक वेरिएबिलिटी आएगी और इसलिए ज्यादा इफेक्टिव या ज्यादा एडवांस हो जाएगा ऑटोगैमी से। अब आ जाइए आइसोगैमी। अब आइसोगैमी क्या होता है, फ्यूजन ऑफ मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर बट फिजियोलॉजिकली डिफरेंट। भाई यानी कि क्या हुआ, मॉर्फोलॉजिकली दोनों सेम है, दोनों देखने में बिल्कुल सेम सेम है, वो दोनों सेल्स फ्यूज कर रही हैं और तब उनके फ्यूजन से जायगोट बन रहा है, तो इस टाइप का आइसोगैमी। मेनली वैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एल्गी में आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, ओगैमस जो होता है, आइसोगैमस में दोनों देखने में सेम है, मेल और फीमेल गैमेट सेल फ्यूज करेंगे अपने आप को और जायगोट बनाएंगे और नया इंडिविजुअल बनाएंगे, इसको बोलते हैं आइसोगैमी। और इसका एग्जाम्पल है क्लैमाइडोमोनास और आइस्पायरोगाइरा, भी डायग्राम आगे दिखाऊंगा इसका। दूसरा होता है एनाइसोगैमी। एनाइसोगैमी में भी क्या होगा, दोनों मोटाइल होंगे, मेल और फीमेल गैमेट सेल, लेकिन मेल थोड़ा बड़ा हो, मेल थोड़ा छोटा होगा, फीमेल थोड़ा बड़ा होगा साइज में, ठीक है, लेकिन दोनों लोकोमोशन शो करेंगे। तो वो जब आपस में फ्यूज करेंगे, बस डिफरेंस किसका होगा, उन दोनों में डिफरेंस होगा उनका स्ट्रक्चर का, एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, फीमेल हमेशा बड़ा होगा और मेल हमेशा छोटा होगा। जिस तरीके से ह्यूमन बॉडी में भी तो स्पर्म माइग्रेट करते हैं, फीमेल तो अपनी जगह पे स्टैग्नेंट रहता है, फीमेल का जो एग होता है, जो फॉर्म होता है, वो तो एक ही जगह पे होता है, लेकिन स्पर्म्स माइग्रेट करते हैं ना एक जगह से, तो ज्यादा अमाउंट में भी बनते हैं, लेकिन एक तो जो नॉर्मली रिलीज होता है वन। तो इसी तरीके से एनाइसोगैमी में भी क्या होता है, फ्यूजन गैमेट्स आर सिमिलर इन अपीयरेंस एंड आर मोटाइल बट डिफरेंट फिजियोलॉजिकल and in size. The size में female, the small gamete is called microgamete and the large gamete is called macrogamete. और इसका example है Chlamydomonas brown. ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा इनके examples भी learn करिएगा। ओगैमी, अब ओगैमी का नाम ही ओगैमी, यहाँ पर बस डिफरेंस ही होगा कि फीमेल स्टैग्नेंट होगी, फीमेल में कोई लोकोमोटरी अगर नहीं होगा, फीमेल स्टैग्नेंट होगी, फीमेल कोई लोकोमोशन शो नहीं करेगी, सिर्फ लोकोमोशन कौन शो करेगा, मेल गैमेट से, मेल ही जाएगा फीमेल के पास, फीमेल कहीं नहीं जाएगी, फीमेल अपनी जगह पे चुपचाप रहेगी। तो यानी कि उसमें लोकोमोटरी ऑर्गन्स भी नहीं, साइज डेंस हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो इस तो जब मेल फीमेल से फ्यूज करेगा तो इस टाइप के रिप्रोडक्शन को हम बोलेंगे ओगैमस या ओगैमी बोलेंगे, ठीक है। और इसका बेस्ट नोन एग्जांपल है आपका ओडोगोनियम अर्कारा में ओगैमस टाइप का ही होता है। अगर हम इसे और समझने की कोशिश करें डायग्राम में, देखिए पहला वाला देखिए ए पार्ट, दोनों सेम टाइप के है ना, फ्लैजिला भी है दोनों, अब इसमें यही दोनों सेम है, तो ये किस टाइप का है, जब फ्यूज कर रहे हैं तो ये आइसोगैमी हो गया। अब यहाँ देखिए मेल तो छोटा है, यहाँ पता चल जाएगा में मेल छोटा वाला है, लेकिन दोनों के का फ्यूजन होगा तो इसे क्या बोलेंगे हम, एनाइसोगैमी। और यहाँ देखिए मेल तो खूब ट्रैवलिंग करेगा, मेल खूब लोकोमोशन शो, लेकिन फीमेल तो नहीं, देखो उसके पास ना कोई लोकोमोटरी ऑर्गन है और वो स्टैग्नेंट अपनी जगह पे। तो इस तरीके के जो फ्यूजन होगा इसको बोलेंगे ओगैमस। यहाँ पे भी देख सकते हो फिजियोलॉजिकली सेम, ठीक है ना, और यहाँ देख लीजिए ये बड़ा और छोटा, और यहाँ पे देखिए फीमेल तो बिल्कुल रुकी हुई और मेल के पास लोकोमोटरी ऑर्गन्स है, ठीक है। तो बेसिक यही आइसोगैमस एनाइसोगैमस, इसी को बोलते हैं प्रोग्रेसिव, मतलब सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाना, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स ही होगा ना ये रुका हुआ फॉर्म, भाई ह्यूमन बींग तो सबसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, सब मानते हैं ना इस चीज को, तो ह्यूमन बींग सबसे कॉम्प्लेक्स होता है, हमें भी किस टाइप का होता है, ओगैमस टाइप का ही तो होता है, फीमेल पार्ट इज रिमेन स्टैग्नेंट ओवर देयर और मेल के ही मूव करते हैं, ठीक है। तो ये आप समझ लीजिए, यानी कि ये पाया जाता है एल्गी में। एल्गी में किस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ, प्रोग्रेसिव। तो प्रोग्रेसिव का मीनिंग समझ में आ गया, आ सकता है शॉर्ट नोट के लिए, प्रोग्रेसिव रिप्रोडक्शन किससे क्या, ये प्रोग्रेसिव रिप्रोडक्शन उल्टा होता है, ठीक है। फिर जैसे हम जाएंगे हायर में तो एनाइसोगैमस, आइसोगैमस, और फिर तो खत्म ही जाता है,
मैंने ड्यूटेरियोमाइसिटीज का बताया, फंजाई इम्परफेक्टा भी बोलते हैं उसको, ठीक है। अब आ जाइए क्लासिफिकेशन, यहाँ पे हमने क्लासिफिकेशन लिया है। देखो यहाँ पर आपके दो मेन इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है एल्गी के, ठीक है। एक है फ्रिश का क्लासिफिकेशन, मैंने अभी बताया था, फ्रिश बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, ये आपके एमओपी एंगर के गाइड भी रहे हैं, उन्हीं के अंडर उन्होंने रिसर्च किया है अपना, और ये फ्रिश ने जो क्लासिफिकेशन दिया है वो अभी तक भी हम फॉलो करते हैं एल्गी का, ठीक है। आप क्लासिफिकेशन वगैरह करना आज के बस की बात नहीं रही, क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा अब क्या बोल सकते हैं, टेक्नोलॉजिकली साउंड हो गए, लेकिन अब बैठ के कोई काम नहीं करना चाहता, ठीक है। अगर आपको क्लासिफिकेशंस देने हैं, देन आपको बहुत कंसिस्टेंट, बहुत प्रोमिनेंसी के साथ माइक्रोस्कोप में बैठ बैठ के अपनी आंखों को बिल्कुल गाड़ गाड़ के काम करना होगा, जो कि आजकल कोई नहीं करना चाहता। इसलिए तब के क्लासिफिकेशन में पढ़ रहे का सोच सकते हो, आज भी पहले का वो हम आज तक भी पढ़ रहे हैं, क्योंकि टैक्सोनॉमिस्ट अब रहे ही नहीं है, जो रियल टैक्सोनॉमिस्ट होते हैं ना, बैठ के काम करने वाले, वो है ही नहीं, अब सब कंप्यूटर पे करना बस हो जाए किस तरीके। अगर आपको क्लासिफिकेशन, तो इन्हीं का क्लासिफिकेशन हम आजकल भी अडॉप्ट कर रहे हैं, और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने डिवाइड किया है ऐसा क्या क्या इन्होंने क्लासिफाई, किस क्राइटेरिया को लेकर इन्होंने क्लासिफिकेशन दे दिया, इतना 11 क्लासेस कैसे बना दिए एलगी के दिमाग में, तो आ रहा होगा ना इनका जो वो मेन पिगमेंट्स, पिगमेंट्स की बात हमने पहले कर ली, जो आप बोल रहे हो रेड ब्राउन और ब्लू ग्रीन किसके का, तो उसके पहले तो इन्होंने पिगमेंट देखा एलगी पे, भाई पिगमेंट किस टाइप का। दूसरा इनका ये बहुत इंपॉर्टेंट, इस पे शॉर्ट नोट आएगा आपका, रिजर्व फूड मटेरियल भी बात करेंगे इसकी, रिजर्व फूड मटेरियल, रिजर्व फूड मटेरियल कौन कौन सा है एलगी में, और तीसरा फ्लैजिला, फ्लैजिला भी हमने अभी बात की थी थोड़ी देर पहले, तो फ्लैजिला किस टाइप का है। तो इन तीन क्राइटेरिया मेनली इनके क्लासिफिकेशन के तीन क्राइटेरिया थे, कि रिजर्व फूड पिगमेंट क्या है, सॉरी रिजर्व फूड मटेरियल कैसा है, और फ्लैजिला कैसे हैं एल्गी में, उसके बेसिस पे इन्होंने 11 क्लासेस हमारी दे दी। और इनका क्लासिफिकेशन बहुत पॉपुलर है, मैंने बताया क्यों पॉपुलर है इनका, एक तो ये बहुत सिंपल क्लासिफिकेशन है, ठीक है, दूसरा बहुत एफिशिएंट है, और तीसरा फाइलोजेनेटिक है, जिसको कि सबसे ज्यादा कंसीडर किया जाता है एक अच्छे क्लासिफिकेशन जिसमें फाइलोजेनेटिक अप्रोच हो। फाइलोजेनेटिक का मतलब सिक्वेंशियल ऑर्डर हो, जिसमें ऐसा ना हैपहैज़र्डली कहीं से भी आ गया, बस कुछ भी डाल दिया, ऐसा नहीं चलता है इसमें काम। और ये क्लासिफिकेशन एक दिन में नहीं निकल गया, अगर उन्होंने 1935 में उनका पब्लिश हुआ है क्लासिफिकेशन, तो उन्होंने कम से कम इस क्लासिफिकेशन में 10 से 12 साल कड़ी मेहनत की होगी। तो आप सोच सकते हो क्लासिफिकेशन इतनी जल्दी नहीं आते, दैट्स व्हाई इट्स वेरी pathetic for us that in India, not in India, in the whole world, I think not more than two taxonomists exist. अभी बिल्कुल true विलुप्ति हो गई है, ठीक है, तो ये बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य है हमारा, ठीक है। Then next come to कौन कौन सी classes थी 11 इन, तो 11 क्लासेस ये आपकी फाइसी, डायनोफाइसी, क्लोरोमोनिडी, इग्लुनिनी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। अब हम सारी क्लासेस हैं इनकी क्लासिफिकेशन की, उसको हम आगे डील करेंगे, और वहां पे मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी बताऊंगा, वो आप नोट डाउन करते चलना, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस देख लीजिए, क्रिप्टोफाइसी, डायनोफाइसी, क्लोरोमोनिडी, इग्निनिडी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, मिक्सोफाइसी और साइनोफाइसी। नाउ अब यहाँ पे कंपैरेटिव इनका आपको चार्ट दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे जो कुछ चीजें, ये फर्स्ट क्लास है, ये पिगमेंट हो रखा है, कोई बात नहीं, पिगमेंट इट इज, रिजर्व फूड मटेरियल, सेल वॉल मटेरियल, फ्लैजिला, पाइरोनॉइड एग्जांपल। अब इसमें जो मेन है, आपको देखो रिजर्व फूड मटेरियल पे आपको ध्यान रखना है, ये बहुत यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाएगा, पिगमेंट से कुछ एग्जाम देने कुछ भी करो, तो ये दो चीज यहाँ पे इनको जरा ध्यान से आप देखिएगा। तो पहली क्लास से साइनोफाइसी जो हम डील कर रहे हैं यहाँ पे, इसको मिक्सोफाइसी भी बोलते हैं, इसे साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं, पता होगा आपको प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोट मैं यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोट। अगर हम बात करें से, जिसके कारण ग्रीन कलर है, तो रिजर्व फूड मटेरियल की बात करें, तो यहाँ पे रिजर्व फूड मटेरियल आपका ग्लाइकोजन होता है, ये मतलब ये इतना इम्पोर्टेंट, फिर होता है ना ग्लाइकोजन क्या होता है, तो ग्लाइकोजन पता होगा पॉलीसेक्राइड है आपका एक, ठीक है। सेल वॉल मटेरियल की एसिड से बनी हुई होती है, फ्लैजिला
मोटाइल से ऐसे क्लैमाइडोमोनास वायरस भी होते हैं, मोटाइल नहीं होते, मोटाइल से एब्स होती है, क्योंकि जो क्लैमाइडोमोनास है वो कॉन्डेंसेंट होते हैं, रिजर्व फूड मटेरियल इतना अच्छा नहीं पाया जाता है। पाइरेनोइड्स का मेन काम होता है रिजर्व फूड मटेरियल, ऑल में मेनली ग्लाइकोजेनिक कंटेंट होता है, पेक्टोसेलुलोज़िक होती है ना, तो वो इसलिए यहाँ पे पता है इनोसिटिलेरिया वुलेरिया। ठीक, एग्जांपल्स जहाँ मेन में मैं बता, एक आपका बैसिलरोफाइसी, इन तीन क्लासेस से क्वेश्चन आएगा आपका। क्लोरोफाइसी ग्रीन हो गया, अब इसमें क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल बी है, एंथ्रोफिल एंड बीटा कैरोटीन है। लोस से फ्लैजिला होते हैं, इक्वल होते हैं और सेम होते हैं, इनको आइसो कॉन टेल बोलते हैं, जो सेम टाइप के मतलब पाइरेनोइड्स, और इसके अंदर ए एंड क्लोरोफिल ई पाए जाते हैं। बीटा कैरोटीन्स होते हैं, ऑयल इसका रिजर्व फूड मटेरियल है, सेलुलोज में पाया जाता है, सेल वॉल होते हैं अनइक्वल होंगे को हेटरोकोनेट बोलेंगे, और इसमें पाइरेनोइड प्रेजेंट होते हैं, वाउचीरियस का एग्जांपल। अब आ जाइए, ये तीन ही आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। बैसिलरोफाइसी किस कलर की होती है? गोल्डन ब्राउन कलर की होती है। इसमें क्लोरोफिल ए एंड सी पाया जाता है, बीटा कैरोटीन पाया जाता है, डाई एटोक्सिन पाया, रिजर्व फूड मटेरियल। रिजर्व फूड मटेरियल इन बैसिलरोफाइसी वोल्यूटिन पूछा जाएगा, ठीक है। और सेल वॉल कैसे होती है? सिलिसिफाइड होती है, बहुत इंपॉर्टेंट एल्गी है आपकी बैसिलोरोफाइसी, है। और रेयरली ही प्रेजेंट है, डायटम जितने भी आपके डायटम्स हैं वो इसमें आते हैं आपके बैसिलोरोफाइसी, जैसे कि आपका पिनुलेरिया, ठीक है। देन नेक्स्ट है फियोफाइसी मेंबर। तो फियोफाइसी मेंबर मैंने आपको पहले ही बताया था, ब्राउन एल्गी है ये, और इसमें क्लोरोफिल ए एंड सी, बीटा कैरोटीन, और सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका पिगमेंट है वो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, फ्यूकोजेंथिन है वो, फ्यूकोजेंथिन के कारण इसका ब्राउन कलर होता है। अब हम बात करें रिजर्व फूड मटेरियल, बहुत इंपॉर्टेंट है इसके, ठीक है। मैनिटॉल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, सॉर्बिटल और लेमिनारिन इसमें, यानी कि मैनिटॉल और लेमिनारिन इसके मेन रिजर्व फूड मटेरियल है, ठीक है। और इसकी जो सेल वॉल कोनेट एंड लेटरल इंपॉर्टेंट इसकी, देखो अभी आपने जो फ्लैजिला देखा, इंसर्टेड होते हैं फियोफाइसी, इंसर्टेड और लेटरल, लेटरल इनकी, जैसे अगर मैं बोलूं सिंग, अगर आपके सिंग कहाँ से निकलते हैं? सर से निकले, अगर सिंग हमारे पीठ से निकले तो किस तरीके को लेटरल, इस टाइप से इनके फ्लैजिला होते हैं। और इसमें नेकेड पाइरेनोइड्स होते हैं, और इसका एग्जांपल है सार्गेसम, फ्यूकस एंड मैक्रोसिस्टर। देन आ जाइए रोडोफाइसी। रोडोफाइसी इज रेड एल्गा, एंड इसमें क्लोरोफिल ए एंड डी होता है, बीटा कैरोटीन्स होते हैं, इसमें आर फाइकोरिथ्रिन और आर फाइकोसाइनिन, रेड वाला। लेकिन इसका रिजर्व फूड मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पूछा ही जाएगा, तो इसका रिजर्व फूड मटेरियल फ्लोरिडियन स्टार्च, ये याद कर लीजिए। और इसकी सेल वॉल मटेरियल बना होता है अगर अगर से, और इसीलिए अगर अगर रेड एल्गी से ही निकाला जाता है। मोटाइल स्ट्रक्चर्स में एब्सेंट होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, इसमें पाइरेनोइड्स भी एब्सेंट होते हैं, इसके एग्जांपल है पॉलीसाइफोनिया, ग्रैसिलेरिया, ग्लिचिडियम एंड पेट्रोकोस्पर्मम, के बारे में बार बार आपको बोल रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है वो, ठीक है। अच्छा, तो ये एक सिंपल सा, तो आपको कुछ नहीं करना, क्लासिफिकेशन आप देखिए, उसमें क्लासिफिकेशन आप घर में भी अपना पढ़ सकते हैं, ये यहाँ पे हमने कंपैरेटिव स्टडी दिखा दिया है, वरना इंडिविजुअल इंडिविजुअल के क्लास के बाद तो आपको इतना नॉलेज होगा कि यू कैन डू वेल एट होम, तो आप इसको देखिए इसको। तो मेनली क्राइटेरिया आपको यही रखना है कि भाई क्लास आप प्रॉपर लिखेंगे, पिगमेंट प्रॉपर लिखेंगे, रिजर्व फूड मटेरियल उनका प्रॉपर लिखेंगे, बाकी चीजें अगर आप छोड़ भी दें तो डजेंट मैटर, आपको एग्जाम्पल जरूर दें। तो तीन चार जैसे उनके टेंशन करना ही है क्लासिफिकेशन, ठीक है। देन नेक्स्ट आपका स्मिथ, सेकंड क्लासिफिकेशन है स्मिथ का। तो स्मिथ का क्लासिफिकेशन 1955 में सीएम स्मिथ ने भी क्लासिफाइड किया था एल्गी को, लेकिन उन्होंने वहां क्लास में किया था, इन्होंने उसका रैंक थोड़ा बढ़ा दिया, इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने डिविजन्स दिए। अब क्लास तो 11 थी, तो डिविजन्स कितने हो गए, काम हो जाएंगे ना, तो इनके जो डिविजन थे वो इनके डिविजन से 7 डिविजन्स में इन्होंने डिवाइड कर दिया, 11 क्लासेस को 7 डिविजन्स में ले आए, तो इन्होंने रैंक बढ़ा दी एल्गी की। और इनका क्लासिफिकेशन था वो बेस था फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेजिटेटिव सेल्स एंड द फर्टाइल रिप्रोडक्टिव सेल्स, ठीक है।
और इन्होंने प्लेस कर दिया था ज़ैंथोफाइसी, क्राइसोफाइसी एंड बैसिलरोफाइसी को एक ही डिवीजन में, क्राइसोफाइटा। देखो फाइटा से डिवीजन होता है और सीईएई से आपकी क्लास होती है, ये आपको पता ही होगा टैक्सोनॉमिकल हायरार्की में ये चीजें चलती है, एल्स फॉर द ऑर्डर, ठीक है, ये आप थोड़ा ध्यान रखें। एमएससी में आ गए तो बीएससी की चीजें क्लियर होनी चाहिए आपको, ठीक है। तो इन्होंने क्या कर दिया, सारी तीन चार क्लासेस एक में, तो कम हो गए ना, फिर क्लासेस 11 थी, अब कितनी हो गई, अब डिवीजन कितने हो गए, 7 हो गया। डिवीजन हाई रैंक होता है किसी का, ठीक है, जैसे फॉर इंस्टेंट जैसे प्रिंसिपल होते हैं किसी भी कॉलेज के बड़े, और वाइस चांसलर जैसे आपकी यूनिवर्सिटी में हम बड़े मानते हैं, तो उसी तरीके से ये बड़ा कर दिया, उनका रैंक बढ़ा दिया, ठीक है। उससे पहले वो क्या थे, उससे पहले वो प्रोफेसर्स और टीचर्स थे, अब वो क्या बन गए हैं, उनको प्रिंसिपल कर दिया उन्होंने, कि रैंक बढ़ा। अब क्या क्या डिवीजन थे इनके, 7 डिवीजन थे, क्लोरोफाइटा, यूग्लेनोफाइटा, पाइरोफाइटा, क्राइसोफाइटा, फ्यू सिंपल फीचर और सेम ही है, ठीक है। तो ये आपको दो अगर आप घर में करना चाहते हैं अच्छे, एल्गी की एक और कम है, एक का है, ठीक है। तो यहाँ भी ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है, एल्गी में कौन सी स्टेज डोमिनेंट, स्पोरोफिटिक का सिक्वेंशियली आना क्या कहलाता है आपका, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहलाता है। अब हम बात करते हैं, यहाँ देख लीजिए एक उल्वा की हम दिखा रहे हैं लाइफ साइकिल, ये दो उल्वा हैं, ठीक है। अब इसमें से क्या हुआ, लाइंस ओवर द, ठीक है, तो उसके बाद ये देखिए एक मेल और एक फीमेल दोनों, उसके सिनगैमी हुआ, फिर यहाँ पे जायगोट बना डिप्लॉयड, फिर जायगोट मियोटिक प्रोसेस के थ्रू बनेंगे डिप्लॉयड था, या मियोटिक प्रोसेस के थ्रू बनेंगे, तो सिंगल सिंगल स्पोर्स बनेंगे, गैमेटोफाइट को बोलते हैं हम ऑल्टरनेशन ऑफ। यहाँ ना एल्गी में डोमिनेंट स्टेज होती है वो होती है गैमेटोफाइट, ठीक है, ब्रायोफाइट के स्पोरोफिटिक जनरेशन डोमिनेशन है ये। और लॉन्ग में इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ समझ में आ गई चीज हमारे लिए, जैसे कि फूड के तौर पर, तो हम एल्गी को फूड के तौर पे भी खा सकते हैं। उल्वा को सी लेट्यूस बोलते हैं कॉमनली, इसको भी खाया जाता है। क्लोरेला ये बहुत रिच होती है प्रोटीन में, विटामिन ए में और डी में। और स्पाइरुलिना तो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये आप याद रखिएगा, रिच इन प्रोटीन, इसी कारण स्पाइरुलिना को जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं ना आपके, जब वो ऊपर जाते हैं तो वहाँ खाना वाना वो ऐसा नहीं खा सकते नॉर्मल जैसे हम लोग खाते हैं ना, तो वो स्पाइरुलिना के कैप्सूल्स लेकर जाते हैं अपने साथ, तो वो ये इनमें 65% प्रोटीन पाए जाते हैं, तो उनकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट तो आराम से। और आप जानते हो प्रोटीन, ठीक है, बहुत ज्यादा रिच, 65% इसमें प्रोटीन होते हैं। अब हम बात करें कि इस यूजफुल एक्टिविटीज में इन इंडस्ट्री यू आर ट्रीज, अगर अगर वेरी इंपॉर्टेंट, अगर अगर अभी हमने बात कॉन्स्टिट्यूएंट था रेड एल्गी, तो ये किससे निकाला जाता है, रेड एल्गी से ही निकाला जाता है, और मेनली ग्लैसिलेरिया एंड ग्लीचेरिया इन द बायोलॉजी का, अगर कहाँ यूज होता है, माइक्रोबायोलॉजी में, इससे हम कल्चर मीडिया बनाते हैं, पैट्री डिशेज में कल्चर मीडिया, फंजाय ग्रो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसके लिए आप थल जाओ। अगर अगर कहाँ से मिलता है, अगर किसी ने कहाँ से मिलता है, अगर ग्रीडियम, ठीक है, ओके, देन नेक्स्ट आ जाए एल्जिन। एल्जिन क्या है, एल्जिन ब्राउन एल्गी से निकालने वाला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है, क्यों, क्योंकि कहाँ कॉन्स्टिट्यूएंट से, ये आपके
फ्रीज आइटम्स में डाला जाता है एल्जीन कर कर रखेगा तो आपकी चीज सूखेगी नहीं काफी दिनों तक, ठीक है। तो इसका जैसे आइसक्रीम्स होती हैं, पेंट्स होते हैं, आपके केक्स होते हैं, और दवाइयों वगैरह की जगह पे इसको यूज किया जाता है। इट इज ऑल्सो यूज फॉर प्रोसेसिंग ऑफ नेचुरल एंड सिंथेटिक रबर लेटेक्स, जो आप नेचुरल रबर जब बना एल्जिन का, ठीक है। और ये निकाला किससे जाता है, ब्राउन एल्गी से निकाला जाता है। देन कैराजिनिन, तो ये ऑप्टेन की जाता है रेड स्पोर, इसका क्या है मोस्टली यू स्टेबल। अब देखो आपको मतलब है कि मेरी आइसक्रीम हमेशा एक जैसे ही जानी चाहिए, मतलब कि क्वालिटी से। आप देहरादून के जो लोग होंगे उनको पता होगा, वहाँ 10 रुपीज वाली आइसक्रीम फेमस है ना गैलॉट्स की, अब तो खैर लॉकडाउन के दौरान तो नहीं है, लेकिन उसकी आइसक्रीम की क्वालिटी एक जैसी कैसी रहती है, क्योंकि उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट कुछ ऐसा डाल के रखता होगा जो उसकी कंसिस्टेंसी मेंटेन रखती होगी। तो वो कंसिस्टेंसी मेंटेन रखने के लिए जो यूज हम करते हैं वो होता है कैराजिन, ठीक है। चॉकलेट्स में भी डाला जाता है, डेयरी मिल्क बड़ा फेमस चॉकलेट ब्रांड है, ठीक है ना। ऐसे भी डिफरेंट डिफरेंट चॉकलेट ब्रांड है, क्योंकि वो ध्यान रखते हैं, जैसे हमारे बट अपने अपने में हर कोई फेमस, जैसे कुमार स्वीट शॉप का कोई दूसरा नो बडी कैन रिप्लेस द कुमार स्वीट शॉप टिल डेट, तो क्यों, क्योंकि वो कुछ ऐसी चीज यूज करता होगा, तो ये चीजें। फिर फिनोरी, अब फिनोरी क्या है, इट इज अ ग्लू, ग्लू चिपकाने वाला जैसे लय जैसा होता है, और इसको एडहेसिव यूज करते हैं हम टेक्सटाइल और पेपर्स को चिपकाने के लिए, और ये ऑब्टेन किया जाता है ग्लोयो लेटेस से इसको यूज किया जाता है। तो ये आप इसको भी याद कर लीजिएगा, फिनोरी ये भी एक तरीका ग्लू है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट आ जाइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है, ये आपसे पूछा जा सकता है, ये एसिडोफाइसिन मेंबर है आपके। तो सेल वॉल ऑफ जो डायटम्स की होती है वो हाईली सिलिसिफाइड होती है, सिलिका बहुत ज्यादा होता है उसमें, बहुत ज्यादा कंटेंट होता है सिलिका का। तो जब ये एल्गी मरती है ना, जहां भी मतलब इसकी डेथ वगैरह होती है, तो ये वहीं डेपोजिट हो जाती है, वहीं मतलब नीचे गिरेगी तो भाई वहीं डेपोजिट होगी। तो डेथ के बाद डायटम्स एक्युमुलेटेड इन द बॉटम एंड फॉर्म डायटमेशियस अर्थ, ये डायटमेशियस अर्थ एक नई अर्थ का निर्माण करते हैं, मतलब कि, और वो अर्थ अर्थ का मतलब ये नहीं कि इन्होंने पूरी बना दी, पूरी पृथ्वी नहीं बना दी, उस सबस्ट्रेटम को निकाला जाता है। उसका यूज कहाँ कहाँ होता है, उसका यूज होता है फायर प्रूफ केमिकली इनर्ट जगहों पे उसका यूज होता है, क्योंकि फायर प्रूफ होता है डायटमेशियस अर्थ, जो उन्होंने वो लेयर बनाई है ना मरने मुरने के बाद अपने डेपोजिशन से, वो बहुत ज्यादा फायर प्रूफ होती है, ठीक है। तो इसका यूज कहाँ कहाँ करते हैं हम इस डायटमेशियस अर्थ का, इट इज यूज फॉर इंसुलेशन ऑफ स्टीम पाइप्स, फर्नेसेस एंड रेफ्रिजरेशन प्लांट्स, मतलब कि आपको कहीं पे बहुत बोलते हैं इंसुलेशन प्रोवाइड करना है, ठंडे को गर्म नहीं होने देना, गर्म को ठंडा नहीं होने देना, तो वहां हम इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है, इंसुलेटर की तरह। इट इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग फायर प्रूफ बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं इससे, और यूज एज क्लींजिंग एज एजेंट इन टूथपेस्ट, टूथपेस्ट में जो आपके दांत में मोतियों जैसे चमकते हैं अच्छे लगते हैं, तो वहां पर सिलिका कंटेंट डला रहता है, वो यही डायटमेशियस अर्थ का कुछ पार्ट होता है, ठीक है। देन प्रोडक्शन ऑफ आयोडीन, अब आयोडीन लैमिनेडीन के रिच सोर्स है, आयोडीन तो आपको पता है कितना जरूरी है हमारी हेल्थ के लिए, ठीक है। अब आ जाइए, अगर हम बात करें एल्गी की इंपॉर्टेंस इन एग्रीकल्चर, तो एल्गी का मैंने अभी आपको बताया था, एल्गी को मैन्योर की तरह भी यूज किया जा सकता है, फ्यूकस और सार्गेसम आपके ग्रीन मैन्योर की तरह यूज में भी, तो बस इनको अच्छा न्यूट्रिएंट कंटेंट आ जाएगा आपके, फिक्सेशन नाइट्रोजन फिक्सेशन अच्छा हो जाता है, ब्लू ग्रीन पौध लगी होगी ना, तो वहां पे भी जो अच्छी अच्छी जगहें हैं जो थोड़ा कमर्शियल पर्पस में प्रोडक्शन करती हैं, तो वो लोग इन एल्गीज का जरूर यूज करते हैं, ठीक है। तो ये बहुत अच्छे से है, तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। देन एंटीबायोटिक्स के लिए भी यूज, पता है आपको एंटीबायोटिक्स जनरली बैक्टीरिया वगैरह को किल करने के लिए हमें नहीं होती है, तो क्लोरेलिन एन एंटीबायोटिक है जो कि आप ऑप्टेन करते हो क्लोरेला से, विच इज एक्टिव एंड स्टेफ, ये इन दोनों बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करती है क्लोरेलिन, और ये निकालते हैं क्लोरेला से, तो ये इन बैक्टीरिया को किल करने का काम कर देती है। ये इसके बाद वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अब एक परेशानी होने वाली है हमारे लिए, क्या परेशानी होने वाली है, अभी तो कोरोना का मार झेल ही रहे हैं, लेकिन अब सिचुएशन कौन सा आने वाला है, अब क्या आ जाएगा, अब आ जाएगा क्या आ जाएगा,
आएगा कुछ दिनों मौसम, डेंगू रोकने के लिए भी कुछ एल्गीज हैं जो कि बहुत कामगार हैं। इसमें एल्गी, उन एल्गीज को लार्विसिडियल एल्गी बोलते हैं, क्योंकि लार्वे को खत्म कर देती है, मॉस्किटो के ग्रो नहीं होने देती। तो ऐसी एल्गी को लार्विसिडियल एल्गी बोलते हैं। इसमें कारा हो गया आपका, निटेलिया हो गया, इनको ग्रो करोगे तो वहाँ मॉस्किटो के लार्वा नहीं ग्रो करेंगे, ठीक है। और जेनेटिकल रिसर्चेज में भी एल्गी का बहुत ज्यादा यूज है, जैसे कि आपका एसिटाबुलेरिया एक एल्गी है, उसका यूज हम जेनेटिकल रिसर्च में भी करते हैं। मैंने बताया भी था रिसर्चेज में क्यों ज्यादा यूज रहा है सबसे शुरू वाली स्लाइड में, ठीक है। देन नेक्स्ट है यूज इन ऑक्सीडेशन पॉन्ड्स ऑफ सीवी। पता चल रहा है अब आपने लॉकडाउन पे यमुना की तो बहुत कंडीशन सुधर गई थी दिल्ली वगैरह में, लेकिन अब फिर हो गई है। तो ऐसी जगहों पे हमें ऐसी वाली एल्गीज ग्रो करनी चाहिए जो कि सीवेज ट्रीटमेंट वगैरह में भी हेल्पफुल हो। तो इसमें आ जाती हैं आपकी क्लोरेला और पेडास्ट्रियम, इनको, क्योंकि ये खूब सारी गंदगी को अब्सॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। तो ये भी एक हेल्पफुल चीज हो सकती है हमारे लिए। अब आ जाते हैं स्पेस रिसर्चेस की बात करें, स्पेस में जो रिसर्च हो रहा है तो उसमें कौन कौन सा एल्गीज का यूज है। तो क्लोरेला एंड साइनोकोकस आपकी कुछ एल्गीज हैं जिनका यूज करते हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को आराम से यूटिलाइज, जितना भी वहाँ स्पेस में जो भी हमारे स्पेस यात्री छोड़ेंगे तो वो ये कैप्चर कर लेंगे उसके अंदर, स्पेस क्राफ्ट के अंदर ना, तो इनको ले जा सकते हैं और उनको पूरा ऑक्सीजन देंगी, ठीक है ना। और कभी कभी फूड की तरह भी मैंने बताया क्लोरेला और स्पाइरुलिना को खाया भी जा सकता है, क्योंकि प्रोटीन कंटेंट बहुत ज्यादा है इनका। तो खाना ऐसे नहीं कि वहाँ नॉर्मली हम जैसे खाना खाते हैं तो वो लोग भी नॉर्मली वैसे खाना खाते हैं, वो वैसे नहीं खाते, वो कैप्सूल फॉर्म में लेकर जाते हैं इसको, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाएगा, हाँ अभी देखो अच्छाई के साथ साथ बुराई भी हर जगह होती है, नो आप जानती हैं, इट्स सिंपली द लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है ना, सेकेंड लॉ, व्हाट इट सेज, नो 100% इज एनी सिस्टम एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड, कोई भी सिस्टम 100% एफिशिएंट तो नहीं होता। अगर एल्गी अच्छी भी है तो कुछ एल्गी में बुराई भी, अभी किया तो था हमने एल्गी की कुछ बुराई भी ना निकाल के इटसेल्फ, ठीक है। तो हार्मफुल एक्टिविटीज की अगर मैं बात करूं तो वाटर ब्लूम, तो जब एक्सेसिव एल्गी ग्रो कर जाती है सरफेस ऑफ द वाटर में, तो कई बार तो बड़े बड़े शिप्स भी नहीं निकल पाते वहां से, इतना ज्यादा हो जाता है, ठीक है। एक ऐसी एल्गी है सार्गेसम, तो सार्गेसम एल्गी क्या करती थी, सार्गेसम सी में बिल्कुल उसने ऐसी मैट जैसी बना देती है कि वहां से बड़े बड़े शिप्स भी नहीं निकल पाते, ठीक है। तो उनको बोलते हैं हम वाटर ब्लूम या एल्गल ब्लूम, तो मैट बना देगी तो ना तो ऑक्सीजन का प्रॉपर, नीचे वाले प्राणी भी मरेंगे, उनको ऑक्सीजन तो प्रॉपरली मिलेगी नहीं है ना, ऑक्सीजन का प्रॉपर फ्लो होगा ही नहीं वाटर में, क्योंकि उनको भी तो ऑक्सीजन चाहे डिजॉल्व ना, तो इसकी कंडीशन आ जाएगी जो कि बहुत एक हार्मफुल एक्टिविटी होगी। इसके द्वारा और हम बार बार करें तो ड्रॉप बोलते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाइए पैरासिटिक एल्गी, अभी हमने बात करी थी पैरासिटिक एल्गीज जो हैं वो भी हमारे मतलब अच्छे तो नहीं है ना, क्योंकि वो तो बीमारियां कॉज कर रहे हैं। अब वो बीमारियां सेफलोरॉस वेरिसेंस क्या डैमेज कर रही है, लीव्स ऑफ टी एंड कॉफी को, और क्या कॉज कर रही, कॉज कर रही है। तो ये इसके कुछ हार्मफुल यूज थोड़ी डिनाई दे, तो ये भी थोड़े ज्यादा नहीं है नेगेटिव बट है, ठीक है। तो अच्छा, तो ये तो हो गया आपका पूरा, मैं आपको ब्रीफिंग कर खुद कैपेबिलिटी साथ अपनी चीजों को प्रिपेयर कर सकते हैं, और डेफिनेटली कुछ ना कुछ फुल रहेगा ये टॉपिक, इतना मैं समझता हूँ। तो इसको आप और अच्छे से अपने घर में एनहांस कीजिए इसकी जो जो आपकी प्रॉब्लम में, लेकिन यहाँ कुछ क्वेश्चंस हैं हमने प्रिपेयर करवाए हैं, तो यहाँ आपको शायद जिनका प्रिपेयर डालते हैं आपका डिफाइन हैबिटेट, ठीक है, एंड एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैबिटेट, ये हमने बहुत स्टार्टिंग में किया था, तो वो आपको पूरा एक्सप्लेन करना है अच्छे से डायग्राम वाइग्राम के साथ, खूब अच्छे से समझाइए जितनी आपकी एक्सपर्टीज है। प्लीज डोंट डू दिस, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाई यू आर मेकिंग दिस स्माइली एंड ऑल ऑन द स्लाइड। सेकेंड क्वेश्चन, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ थेलस ऑर्गेनाइजेशन इन एल्गी, ये भी आपको पूरा थेलस ऑर्गेनाइजेशन बताएगा ये क्वेश्चन, आप प्रिपेयर कर लोगे बहुत तरीके से, तो शॉर्ट तो उसमें कुछ भी आए तो यू विल बी एबल टू गिव द आंसर, है ना। तो व्हाट टाइप
ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आकर ही आए जाते हैं प्रोग्रेसिव टाइप को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूरा एक्सप्लेन करना है अच्छे से. एक्सप्लेन इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी इन डिटेल. ये क्वेश्चन भी आपका लॉन्ग में आ सकता है, यहाँ पे प्रिपेयर कर लीजिएगा. ठीक है, शॉर्ट नोट्स के लिए आपके कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट हैं, वैसे सभी कुछ इंपॉर्टेंट, लेकिन मैंने कुछ फिर भी इंपॉर्टेंट आपने निकाला है जो कि आप थोड़ा प्रिपेयर कर लें. रिजर्व फूड मटीरियल अलगी आ सकते हैं आपका, आप पिगमेंट आ सकते हैं, पे शॉर्ट नोट आ सकता है, हार्मोन यहाँ पे शॉर्ट नोट आ सकता है, तो ये आप तैयार कर लीजिएगा. डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग आपके आ सकते हैं, एकाइनिड्स एंड हेटरोसिस्ट के बीच में डिफरेंशिएशन आ सकता है, एप्लानोस्पोर्स एंड हिप्नोस्पोर्स के बीच में आ सकता है, तो ये थोड़ा प्रिपेयर कर लीजिएगा. ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप जब इनको लॉन्ग फॉर्म में करोगे तो ऐसा नहीं कि रटाफिकेशन आपको मारना है, आपको लॉन्ग को इस तरीके से भी पढ़ना है कि शॉर्ट किसी भी फॉर्म में आपके पास क्वेश्चन आए यू हैव टू गिव द आंसर इन अ सिस्टमैटिक और प्रॉपर वे. ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाइए आप, कुछ इंपॉर्टेंट आपको जनरा है जिसके प्रिपेयर करने हैं पूरे, मतलब थॉरली उनको प्रिपेयर करना है, मतलब रिगार्डिंग देयर क्लास क्लासिफिकेशन, रिगार्डिंग देयर स्पाइरुलिना को अच्छे से कर लीजिएगा, क्लैडोफोरा को अच्छे से कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ऊडोगोनियम को कर लीजिएगा, लेकिन ऊडोगोनियम में आपके पास क्वेश्चन यहाँ से जरूर रेज होगा. इसमें हाईली उगेमस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, इसमें एक कंडीशन होती है मैक्रेंड्रस कंडीशन, ठीक है, और दूसरी होती है नैनेंड्रस कंडीशन. इस पे जरा शॉर्ट नोट तैयार कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल हाईलाइट कर लीजिए कहीं पर, ये क्वेश्चन आना ही आना है आपका. ठीक है, देन नेक्स्ट है आपका कारा, कारा को तैयार कर लीजिएगा, कारा में नोड एंड इंटरनोड्स पाए जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी एल्गी आपकी, और इसमें ग्लोब्यूल और न्यूक्यूल पाए जाते हैं, इसके स्पेशल सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं, मेल को बोलते हैं ग्लोब्यूल और फीमेल को बोलते हैं न्यूक्यूल, और यहाँ पे भी जो ये मैक्रेंड्रस एंड नैनेंड्रस कंडीशन है ये है ऑन द बेसिस ऑफ द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स के बेसिस पे, इनको दो टाइप की स्पीशीज में डिवाइड कर देते हैं हम, ऊडोगोनियम को मैक्रेंड्रस और नैनेंड्रस, तो ये आप पढ़ लीजिएगा इसके बारे में शॉर्ट नोट में. एक्टोकार्पस तैयार कीजिएगा अपना, सार्केसम तैयार कीजिएगा और हाइड्रोडिक्टियन तैयार कीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट जेनरा है जो आपको प्रिपेयर करने थॉरली, थॉरली का मतलब जान रहे हैं ना आप, थॉरली का मीनिंग है उसको पूरा क्लासिफिकेशन देंगे आप इंडिविजुअली, क्या पता है कोई एग्जामिनर आपको पूरा ही पूछ ले तो यूज का क्लासिफिकेशन क्या है, पूरा क्लासिफिकेशन देंगे, देन फिर इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर देंगे, मॉर्फोलॉजिकली फीचर देंगे, एनाटॉमिकल बताएंगे उसका, रिप्रोडक्टिव बताएंगे उसका, और उसके अगर कोई इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस तो वो बताएंगे पूरा अच्छे से, डायग्राम वाइग्राम तो आप उसको करोगे क्लियरली. ठीक है, तो ये आपके कुछ क्वेश्चन हैं, तो ये क्वेश्चन भी आप प्रिपेयर करिए, कैसे हम लोग खत्म होता है. थैंक यू वेरी मच.